Hello everybody, welcome to our live stream, Satan Gods ka another tournament, 1k prize pool ke saath, entry hai bilkul free, yahan par aa gaye hai apan casting kar rahe, to bhai, kidhar nahi jaane ka bhai, ek baar idhar aaya, to pura 1 baje tak idhar rukne ka, do match apan phatafat se mazboot wala casting karne wale hai bada, to bhai, nahi jaane ka bhai, chhod ke nahi jaane ka, samjha kya public, रापची की जगह बबूम बूम करने का हमने कहा अभी इनवाइट का आता है देखते हैं हेलो गाइस टूर्नामेंट का फर्स्ट डे अपन 7 लाइक का एम रखते हैं 7 लाइक का एम तो तुम लोग भाई कैसे भी कर सकते हैं ना आई गेस कर सकते हैं रे तो करो भाई प्लीज अपन आते हैं थोड़ा शेयर वेयर करके
अरे हेलो गाइस, वेलकम बैक टॉक्सिक जीएस बाय, वेलकम टू ऑल स्ट्रीम। भाई मैंने चालू करते यहाँ पर मैच चालू कर दिया भाई, जल्दी 11 बजे चालू कर दिया। सही है भाई, अपने को खुद को अंदाजा नहीं था क्या होने वाला है। मैं थंबनेल डालने का लगा रहा था पर वो लग रहा ही नहीं था भाई, पता नहीं क्या सीन हो रहा था। मगर खैर जो भी है भाई, यहाँ पर फर्स्ट मैच ऑफ आवर टूर्नामेंट स्टार्टेड। तो भाई कहीं नहीं जाना रे, इधर ही बने रहो। अभी मैंने देखा ही नहीं भाई कितने आए थे, क्या था लॉबी, क्या था। मैं चालू कर दिया भाई, बीटी हो गया। भाई अभी ये ग्लिच क्यों हो रहा है यार, फर्स्ट डे ऑफ टूर्नामेंट। अगर ये ग्लिच में चला गया तो भाई ग्लिच बिल्लू आईटी हो जाए। नहीं, ग्लिच बिल्लू आईटी कहाँ है, देखने लायक होगा जो कैसे परफॉर्म करते हैं बीजीएमआई वालों, ये टॉक्सिक जीएस बीसी वालों। भाई लड़े लग गए हैं। नहीं हो रहा चालू, फक मैन। फुल चोक, क्या ही बोलो यार, ये क्या हो गया सीन यार। जाने तो कहा है उड़ती हवा में मैंने पैरों के निशान देखे। गेम चालू हो समय से पहले, समय से पहले, नहीं तो मेरे और तुम्हारे सबके लौड़े हैं। बिजी अम्मा भोसड़ी वाले, क्या चल रहा है, रुके है पब्लिक और मैं यहाँ। ये मैच चालू नहीं हो रहा भाई, ओ भाई फुल बीटी हो गया। पहला मैच में यहाँ पर सीटी बजा दिया अपना भाई, ये लौड़ी दे लसन हो गया ना, क्या हो गया ना भाई, जूता है बीजेएमआई सच्ची में। उड़ जा कहीं समय से पहले, समय से पहले, कभी अखियों से कभी मेरी अखियों से सुन। ओ भाई चलो गया, क्या बात है। और प्लेन पाथ वात कुछ नहीं देखा, बंदे कहाँ उतरे कैसे उतरे वो सब देखना बाकी है। एंड यहाँ पर ग्लिच विल्लो आईटी बहुत ज्यादा होने वाला है, देखते हैं अभी फिलहाल कब तक यहाँ पर सब रेंडर होता है प्रॉपर से। मेरे ख्याल से टाइम तो काफी लगने वाला है। ये क्या हो रहा है, हो जा भाई रेंडर, नहीं होगा इतने जल्दी तो नहीं होगा। DW लूसीफर यहाँ पर पिक लेके बैठे हैं, हिल रहा नहीं है कुछ, ये ऐसा ही होने वाला है अभी 10 मिनट। टीरेक्स बापू वहां पर पार्ट 26 को नॉक करते हुए, एंड जो भी एक किल फिर से देखना हुआ, टीरेक्स बापू ने पार्ट 26 को वहां पर फिनिश भी कर दिया। टीरेक्स की टीम यहाँ पर उतरते उतरते ही धनाधन शुरुआत यहाँ पर हो गई है उनकी। दे धनाधन 87 बंदे थे इस टीम मेरे भाई, क्या बात है, फुल आज बूम बाम होने वाला है। एक टीम ने फिर भी स्लॉट वेस्ट कर दिया इतना मना करके भी, क्या बोल सकते हैं यार। एक टीम वाइप आउट हो गई मेरे ख्याल से, क्या हुआ देखने लायक होगा। जी नहीं, नहीं हुई है वाइप आउट, पता नहीं क्या इसी ने। यहाँ पर सीटन गॉर्स वर्सेस GW को देखने को मिल रहा है क्या। जी हाँ, सीटन बोले जी भाई, यहाँ पर सामने देख सकते हैं अपन, रेंडरिंग इश्यूज है। हो जा भाई रेंडर, हो जा यार, क्या ही बकचोदी है चल रही है भाई। कितना टाइम लेगा मेरे भाई, कितना टाइम लेगा मेरे भाई, यो कितना टाइम लगेगा रे भाई, हाँ कितना टाइम लेगा मेरे भाई, यो पब्लिक इधर रुकी, हाय हाय।
रिस्टार्ट करूँ क्या भाई? कोई देख रहा है तो बता दो यार, रिस्टार्ट कर दिया जाए या छोड़ दिया जाए? ऐसे ही उसके बाद में ऐसा सीन होने वाला है, मगर एक को देखते देखते ना वो आ जाता है, थोड़ा टाइम लगता है। एडवांस रूम कार्ड नहीं है, एडवांस रूम कार्ड बना के देखना होगा कि ये सीन होता है क्या। ये डिवाइस तो भी थोड़ा अच्छा है, पुराने डिवाइस में तो भाई चालू नहीं होता था। सी 10 रेडन को वहाँ पर, स्काई नोकियन एनआरकी को वहाँ पर, वो इवोल्व पेन रावन वाइट को भी वहाँ पर नॉक करके फिनिश कर दिया। सी 10 रावन वाइट फिनिश होते हुए, रेडन फिनिश होते हुए, एंड सी 10 एनआरकी भी वहाँ पर फिनिश हो गए, एंड साथ साथ सी 10 ऑलमाइटी को भी इवोल्व पेन ने पेन पहुँचाया है। एंड क्या बात है, इवोल्व की टीम ने वहाँ पर सी 10 गॉस द मैनेजमेंट टीम को यही पहले ही टपका दिया है। क्या बात है, उनकी टीम पूरी हो गई एलिमिनेट। 1 FPS लूफी, ओ भाई रेंडर हो गया है जी, बिल्कुल यहाँ पर से टन बोले जी भाई को देखते थे एंड रेंडर हो गया है। वही साइको असॉल्टर ने ए थॉन को वहाँ पर नॉक किया है। क्या होता है, कहाँ फाइट चालू जी? बिल्कुल ऊपर चालू है। साइको असॉल्टर को देखते हैं, यहाँ पर मिनी 14 उनके हाथ में एंड वाइपर सकी उनके जो है फिनिश हो गए, मगर साइको असॉल्टर स्पाइको स्प्रे गॉड, यहाँ पर 3 बंदे बाकी असॉल्टर को लेफ्ट से फटके पड़े हैं। यहाँ पर तनिष्का टीम नंबर 11 जी, बिल्कुल यहाँ पर ए थॉन की टीम है। तनिष्का के ऊपर यह स्प्रे जाएगा, साइको असॉल्टर बाबू क्या करते हैं, नेड आया है उनके ऊपर, नेड से नॉक तनिष्का का, क्या ही प्यारा नेड। ए भाई ये लड़के किसी लड़के से कम नहीं, क्या ही कमाल की फाइट, यहाँ पर आके फिर से खत्म करने की कोशिश चालू है। एंड तनिष्का जी यहाँ पर जी बिल्कुल साइको स्प्रे गॉड को करते हुए फिनिश, वो भी किससे, फिश से। क्या यही भड़क जाएंगे साइको स्प्रे गॉड के बंदे, माफ करना साइको असॉल्टर के बंदे, साइको स्प्रे गॉड, साइको सिंच वहां पर आगे चले गए हैं। क्या यहाँ पर घुस के मारेंगे, पेलेंगे बंदों को, फिश से मारा गया है यहाँ पर, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया होगा मेरे ख्याल से। तनिष्का एंड काशी सामने है, देखते क्या करता है। लैग, अरे भाई लैग हो रहा है, क्या करे। तनिष्का एंड काशी सामने, साइको स्प्रे गॉड लेफ्ट से गए हैं, 2v2 का फाइट है क्या? मेरे ख्याल से ये बिल्कुल 2v2 का फाइट है। साइको स्प्रे गॉड जो आ रहे हैं पूरा घूम के, यहाँ पर काशी को क्या ओपन में फंसा सकते हैं, क्या यहाँ पर स्पॉट किया जाएगा काशी को, काशी को क्या अंदाजा है कि पीछे से आ रहे हैं स्प्रे गॉड भाई। काशी मेरे भाई कहाँ है, ट्रक के अंदर छुपे है। साइको सिंच वहाँ पर तनिष्का के सामने, तनिष्का का शॉट गन, ओ भाई क्या ही S12 के चिपकाया यहाँ पर। ओ मेरे भाई तनिष्का क्या ही कहना आपका जी, कमाल का यहाँ पर पीछे से साइको स्प्रे गॉड का वो स्प्रे नॉक किया एंड काशी को बिल्कुल रख दिया उपाशी। एंड यहाँ पर साइको स्प्रे गॉड के टीम हो गई है 3 बंदे फिनिश, मगर साइको स्प्रे गॉड का वो कमाल का उजी चलाना एंड वही उनकी तनिष्का की टीम हो गई वाइप आउट। खेर यहाँ पर एक्सेलरेट की टीम DGZS की टीम के साथ फाइट लेते हुए, GS मेरे भाई यहाँ पर GS भाई आ गए। देखते यहाँ पर क्या होता है, ये एक्सेलरेट के 2 बंदे, माफ करना एक्सेलरेट के 2 बंदे वहां पर नॉक पड़े हैं। वोल्ट ऑन फॉर है वहां पर, D4RS को दे रहे, D4RS वर्सेस वोल्ट यहाँ पर चालू है। ऑन फॉर है भाई अकेले, बाकी जो बिल्कुल एसिड और रैग्नर जो है फिनिश हो गए है, मगर बाकी है D4RS के 3 बंदे मेरे ख्याल से। वहां पर टीम DZ ने चमका दिया है, यहाँ पर 1 FPS लूफी भी T-Rex सिरा को मारते हुए 1 FPS की भी फाइट होती है, वहां पर एक साथ काफी ज्यादा फाइट्स हो रही है। 1 FPS मासूम एंड टीम यहाँ पर देख सकते हैं, अंटर कुनाल सामने, अंटर कुनाल को क्या देंगे, पेलेंगे ग्लिच बिल्लू वाइटी ने एक्सेलरेट निखिल को वहां पर मारा है एंड क्या कहानी समाप्त होगी, मेरे ख्याल से कहानी समाप्त कर दी है टीम DZ भाई, उन पे आने भी नहीं देते भाई, इतना फटाफट से फाइट चालू करके खत्म कर देते हैं भाई, बिल्कुल वो लोग रुकने का नाम ही नहीं लेते, फुल पेलम पाली चालू रहता है उनका भाई। वही देख सकते हैं कि वोल्ट ऑन फ्रॉय को क्या वहां पर फिनिश किया गया है, मेरे ख्याल से वोल्ट ऑन फ्रॉय का भी यहाँ पर पेटी पैक करके वोल्ट की टीम का यहाँ पर हो जाता है एलिमिनेशन। क्या बात है, D4RS वाले यहाँ पर चमक रहे हैं, DJ जॉनो पे उनके खैर फिनिश हो गए, मगर बाकी के लौंडे यहाँ पर बाकी है। क्या वो लोग चिकन प्राप्त कर सकते हैं मेरे भाई, हमें लाइव में बताओ। EXT और पॉपॉय वहाँ पर, पॉपॉय द सेलर मैन, पप्पॉय भाई कमाल का गेम प्ले दिखा रहे हैं, T-Rex के बापू यहाँ पर देख सकते हैं उनके सामने कौन सी टीम है। 1 FPS की टीम भी वहाँ पर रुकने का नाम नहीं, लगातार डैमेज देते हुए 1 FPS मासूम को वहाँ पर T-Rex बापू ने फिनिश कर दिया है। एंड T-Rex बापू भाई, बापू क्या, बापू का स्प्रे था वो, लूफी को कर दिया है नॉक बापू, क्या यहाँ पर क्लच वच मारेंगे, जैसे मैंने पहले भी बोला था एक बापू जो थे लगा गए थे वाट, मगर ये बापू जो है टीम को भाई साहब क्या ही पोजीशन को ऊपर लेके जाते हैं, बहुत यहाँ पर उच्च स्तर का गेम प्ले दिखाते ये बापू।
एंड देखते हैं अभी क्या वही प्रकार का यहाँ पर आके जाके फिनिश कर दिया जाएगा उनको। लूफी को यहाँ पर सिड भाई जो है आ गए हैं लूफी की तरफ रिवाइव देने के लिए। टीरेक्स बापू यहाँ पर जा रहे हैं आगे, जा रहे हैं आगे। सिड भाई लेफ्ट से आएंगे क्या? अभी तक रिवाइव तो नहीं दिया। बापू भाई किसे जाएंगे? बापू को पड़े दूर से टापू। क्या बात है पापू, स्पार्क भाई का वो क्या ही प्यारा कवर था, मगर स्पार्क भाई को भी यहाँ पर फटके पड़े। लूफी को रिवाइव देना होगा। सिड भाई वहां पर क्या रिवाइव दे सकते हैं? स्पार्क को क्या फिनिश किया जाएगा? EXTR वाले बंदे क्या ही पेलम पाली चालू है वहां पर। आयुष एंड पोपाय दो वाक्य नहीं, उनके साथ साथ पैडी भाई भी है। तीन लॉन्डे यहाँ पर देख सकते हैं। ETN वाले बंदे उनके सामने, क्या EXTR वाले बंदे बाजी मारेंगे? एक किल तो यहाँ पर उन्होंने निकाल लिया है। विभा पाटिल वेलकम टू आवर लाइव स्ट्रीम ब्रदर सिस्टर सॉरी। यहाँ पर देख सकते हैं गाना गाओ प्लीज जैसे आप रोज गाते हो। अरे यार बहुत जल्दी बोला यार, वो लॉबी के अंदर अभी ये मैच होने दो फिर गाते हैं। आप देखते रहो फिर गाएंगे गाना, हम जरूर गाएंगे। पर अभी जो है फाइट देखने हैं, फाइट रिकॉर्ड करना है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर ETN वाइपर बोटॉक्स। वैसे मैं पहले गाना गा रहा था लॉबी में था, तो थोड़ा पहले जाके देख सकते हो आप। विवा पाटिल रावण गेमिंग बैड स्टार्ट, अरे सैड ब्रो सैड लाइफ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं कि EXTR आले आयुष यहाँ पर ETN वाइपर बोटॉक्स को क्या देख के फिनिश नॉक कर सकते हैं? नॉक कर सकते हैं यहाँ पर। FPS लूफी वहाँ पर मारते हुए टीरेक्स बापू को, यहाँ पर EXTR पोपॉय को, पोपॉय द सेलर मैन बनाया, वही आयुष को भी यहाँ पर नॉक किया। प्यारा सा वाइपर बोटॉक्स का वो स्प्रे था, यहाँ पर शिवम ने देखा, वहाँ पर बोटॉक्स ने देखा एंड यहाँ पर बोटॉक्स तोड़ लिया है। EXTR पैडी भाई अकेले यहाँ पर क्या बन जाएंगे सबके डैडी। पैडी क्या करते हैं, कमाल पैडी। यहाँ पर ETN वाले बंदे बिल्कुल रश करने वाले। 1 FPS लूफी ने वहां पर टीरेक्स बापू को मारा है। 1 FPS वाले बंदे भी फॉर्म में आ गए। पैडी वर्सेस शिवम यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। पैडी 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 को यहाँ पर बोले कि भाई शिवम भाई बोले हम है डैडी पैडी एंड कमाल का वहां पर फिनिश मारते हुए ETN बंदों का यहाँ पर दबदबा बनाए रखे है। EXTR की टीम यहाँ पर होते हैं एलिमिनेट एंड यहाँ पर देखते हैं आगे कौन सी टीम यहाँ पर फाइट लेने की संभावना है। खैर जी हाँ, यहाँ पर जो फाइट चल रहा है 1 FPS वर्सेस अंटर की टीम, यहाँ पर देख सकते हैं कि टीरेक्स की टीम, माफ करना अंटर कुणाल थे उनमें, बाकी सब टीरेक्स वाले। तो टीरेक्स की टीम यहाँ पर देख सकते हैं, टीरेक्स की टीम क्या कलती है, अकेले बाकी है HM जी भाई। HM को पीछे से पड़ रहे HM के कपड़े यहाँ पर पहन के भाग रहे भाग रहे भाग रहे। ओह 1 FPS पार्क का वो बेहतरीन स्प्रे एंड वहां पर कहानी होते हुए समाप्त। 1 FPS के बंदों ने कमाल का वहां पर गेम प्ले दिखाया। वही DW की टीम वहां पर फाइट के अंदर आएंगे। स्पाइडी भाई को नॉक किया है, स्पाइडी भाई को क्या रिवाइव मिलेगा यहाँ पर? DW स्पाइडी नॉक है। सीटन गॉड्स की टीम उनके बिल्कुल सामने, मास्टर ओपी का वो मास्टर वाला स्प्रे था, DW स्पाइडी को नॉक करके गया था वो स्प्रे। इस फ्लक्स मास्टर बलेजी क्या करते हैं यहाँ पर, कुछ कमाल। बलेजी भाई यहाँ पर गाड़ी लेके आगे गए क्या जी? बिल्कुल यहाँ पर बग्गी लेके जा रहे, कहाँ जा रहे? पूरा रोटेशन मार के पेलम पाली देंगे क्या? यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है इनकी फाइट देखना। सेटन गॉड्स वर्सेस DW, फ्लक्स ओपी को उठा के बलेजी भाई लेके आए। अभी क्या पूरा घूम के जाके यहाँ पर फटके देने की कोशिश होगी। DW वाले भी बंदे वहां पर रुकने का नाम नहीं ले रहे, लगातार स्प्रे दिए जा रहे एंड भाई एवरी सेकंड मैच ये दोनों का जो है फाइट अपने को देखने को मिलता है एंड इन लोग का ड्रॉप लोकेशन भी मेरे ख्याल से काफी जो है मैच करता है एक दूसरे से एंड यही जो है मजा आने वाला है। देखते हैं अभी क्या होता है ये फाइट के अंदर। खैर बाकी के जो बंदे एक दूसरे से काफी दूर है देख सकते हैं एंड वही अपन कि ऊपर की तरफ टीम 7X फ्लैश जो है और टीम टीरेक्स की तरफ आ रही है जी। बिल्कुल यहां पर 1 FPS, माफ करना 1 FPS की सीड ने वहां पर ब्लिट्स साइबॉर्ग को वहां पर गिराया है। 1 FPS भाई आज रुकने का नाम नहीं ले रहे भाई, मगर लूफी भाई को जो है मार दिया गया है। टीम 7X फ्लैश ओपी वो वहां पर मौजूद है। बिल्कुल फ्लैश ओपी ने भाई कल भी कमाल का गेम प्ले दिखाया था। स्पार्क भाई उनके सामने जाके क्या गाड़ी से उतारेंगे फ्लैश ओपी को? गाड़ी से आ रहे फ्लैश, स्पार्क भाई जा रहे आगे। स्पार्क भाई क्या यहां पर मारेंगे? स्पार्क का वो स्प्रे फ्लैश को क्या उतारेंगे? बाल बाल उतार ही दिया था भाई, बाल बाल बच गए वहां पर। कमाल का स्प्रे वहां पर फ्लैश ओपी के ऊपर क्या सीधा से चढ़ जाएंगे धप करके धप्पा एंड स्पार्क भाई बोलेंगे भाई हम है पप्पा। 1 FPS को भी वहां पर नॉक लिया गया उनका यहाँ पर। 1 FPS पार्क अकेले कुछ करना पड़ेगा उनको। कमाल यहाँ पर फ्लैश ओपी सामने आ रहे, फ्लैश ओपी क्या करेंगे? कमाल यहाँ पर स्पार्क के ऊपर पूरा दबदबा। AW चिन्ना YT वहां पर कमाल दिखाते हुए लास्ट टूर्नामेंट में अपने MVP प्लेयर थे, मगर यहाँ पर MVP बनते हैं फ्लैश ओपी। 1 FPS की टीम का यहाँ पर पत्ता होता है कट एंड यहाँ पर आगे आगे देखते कौन सी टीम फाइट लेने वाली। AW की टीम जो है फाइट ले रही है
एंड किससे फाइट ले रही है, AW चिन्नावाइटी, लास्ट टूर्नामेंट के MVP प्लेयर। यहाँ पर देख सकते हैं अपन, MVP थे तो कुछ बात होगी उनमें जरूर, वही बात देखने को हम उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मगर वहां पर पीछे जो है SQ9 के बंदे, SQ9 के स्वप्निल नॉक हो रहे हैं। फोर मून्स की टीम वहां पर कमाल दिखा रही है क्या, फोर मून्स का बंदा ही मेरे ख्याल से नॉक हो गया। एंड यहाँ पर टीम नंबर 10 ने दाबा बोल दिया है, रोग यश वहां पर वाको, ये रोग की टीम है मेरे ख्याल से ये जी बिल्कुल। यहाँ पर मौली क्या ऊपर जाएगा, विशु भाई को नॉक करेगा क्या यहाँ पर, ओहो ब्रा बोवी भाई टी को वहां पर नॉक किया, ये मौली उनके ऊपर ही गिर गया था। मगर विशु को यहाँ पर प्यारा सा टिश्यू पेपर देते हुए MZYYU YVP69 भाई कमाल गया यहाँ पर चलाया उन्होंने स्प्रे, और यहाँ पर रोग की टीम को रोग लगा दिया है भाई साहब, कमाल का यहाँ पर गेम प्ले। VUMONG क्या बोलना चाह रहे हो ब्रदर, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड सॉरी ब्रदर। AW की टीम वही नीचे है एंड 52 बंदे अलाइव, टीम बाकी है 15। कौन मारेगा बाजी, कौन खाएगा पिज्जा तक राजी मेरे बॉय। यहाँ पर देख सकते हैं कि 52 बंदे 15 टीम, बहुत मजा आने वाला है। आगे आगे देखते रहेंगे अपन, कहीं नहीं जाएंगे लाइव स्ट्रीम छोड़ के भाई। तुम्हारा भाई यहाँ पर ओपी कास्टिंग देगा, चिन्ना वाइटी ने माफिया हीरो को बोला माफ करना भैया, हम है ओपी चिन्ना वाइटी। क्या गाड़ी निकल के पूछोगा, गाड़ी निकाल के पूछोगा क्या चिन्ना वाइटी भाई। यहाँ पर देख सकते हैं प्यारा सा नॉक डाला है सामने, क्या यहाँ पर नॉक वन नॉक पुश देखने को मिल सकता है क्या। AW चिन्ना वाइटी एंड टीम, एक भाई उनका बगी लेके तो गया है, चिन्ना वाइटी MVP प्लेयर थे क्या ये टाइम भी, MVP प्लेयर, वो MVP का माल, MVP गेम प्ले दिखाता है। 3 AM e-sports नहीं आती अब, नहीं आती 3 AM पर, अपन 11-12 AM को रखते हैं फिर भी वो 3 AM वाले नहीं आते क्या, अपन ने 3 AM को करना चाहिए कास्टिंग। जस्ट किडिंग वो लोग नहीं आते, पता नहीं मैं वो एक्चुअली हंटर का स्क्रीम्स मैं तभी ये कर रहा था, तब 3 AM वाले आए थे आई गेस, यू आर देयर, वो आफ्टरनून में स्क्रीम्स कर रहा था। अगर यहाँ पर चिन्ना वाइटी क्या गाड़ी से उतारेंगे, MZY पे वहाँ पर दे रहे हैं फटके, वाई ब्रदर वाई, चिन्ना वाइटी क्या करता है वहाँ पर। P69 को देखा, लगातार स्नाइपिंग करने की कोशिश चालू है, ऊपर से स्प्रे आया क्या जी बिल्कुल आया, हीरो का न्यू ट्रेंड भाई को करते हुए नॉक, 4RC ओपी इन द चैट वहाँ पर, क्या प्यारा सा स्प्रे माफिया का भी वो स्प्रे आ रहा है, चिन्ना वाइटी के ऊपर आया था, चिन्ना वाइटी का प्यारा सा नॉक करके दिखा सकते हैं। चिन्ना वाइटी क्या करेंगे, किन लोग का कितने कितनों का चिन्ह मिटाते हैं आज, हीरो का हेड नहीं फूटा। ओ इनवाइट करो ना उन्हें, अरे कैसे करें हम इनवाइट, हमें कांटेक्ट ही नहीं है हमारा उनके पास। AW चिन्ना वाइटी माफिया हीरो को यहाँ पर नॉक करते हुए, क्या ही प्यारा फटका, वही सेटन बलिजी भाई वहां पर दे रहे हैं फटके DW टीम को, वहां पर देख सकते हैं सेटन बलिजी क्या घुस के फिनिश करेंगे। यहाँ पर अभी भी लॉन्ग रेंज फाइट चालू है, लॉन्ग रेंज यहाँ पर हो रहा है, AR चला रहे हैं बंदे एक दूसरे पे, नो स्नाइपिंग, मगर यहाँ पर इतना लॉन्ग नहीं है वैसे, थोड़ा है। इन्वाइट करे पर कैसे करे, हमने बहुत ये फैलाया था वैसे, ये शेयर वेयर किया था, मगर पता नहीं कैसे कांटेक्ट करे क्या करे, आई हैव नो फकिंग आइडिया। यहाँ पर टीम नंबर 25 DW लूसीफर क्या फिर से यहाँ पर खोपड़ी दिखाएंगे, सीटन बलेजल पूरे एक्स लेके यहाँ पर बिल्कुल तैनात, बिल्कुल मौजूद। यहाँ पर जॉनसन भाई खोपड़ी दिखा रहे, जॉनसन भाई का क्या खोपड़ी फोड़ सकते थे, यहाँ पर देखा है यहाँ पर टपा टप चलाने की कोशिश, मगर वहाँ पर नहीं नुकसान पहुँचा पाए। DW जॉनसन भाई अंदर गए, बाबा ऐसा का बोला, माजा नाम विशु कस बोलला, विश यू कस बोलू, मस बोलू भाई तुझ ना, विशु है ना विशु। 51 बंदे 15 टीम, क्या बात है। सीटन फ्लक्स ओपी वहां पर पीछे से आ रहे हैं गाड़ी लेके, एंड ये दोनों टीम को भी जाना होगा जोन के अंदर। खैर अभी कौन सी टीम एक दूसरे के एकदम करीब है, कोई भी टीम अभी नहीं है। टीम DC भी यहाँ पर पूरे मजे ले रहे हैं, यहाँ पर DTS किशू पे स्प्रे, विशु टिशू, अरे ब्रो भाई वो कास्टिंग करते करते बोल देते हैं हम यार, दिल पे ले रहे हो तो भाई मैं सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ध्यान में रखूँगा। आप ही नहीं, अगर आप दूसरे बंदों को मारते ना तो भी हम ऐसे ही बोलते ब्रदर, थोड़ा सॉरी ब्रदर, अभी क्या
आपको अगर नहीं पसंद आया तो हम आप हमें बोल दो यार, कल से नहीं बोलेंगे, वैसे बिल्कुल नहीं बोलेंगे। डीटीएस किशू भाई यहाँ पर देख सकते हैं, क्या है किशू के ऊपर, क्या यहाँ पर बलेजियन ईस घुस गए जी, बिल्कुल यहाँ पर बलेजियन ईस ने क्या पूछ मारा है, किशू भाई यहाँ पर अकेले है, डीटीएस के बंदों का स्प्रे, बलेजी को नॉक डाला है, काशू किशू काशू की जोड़ी यहाँ पर क्या ही बलेजी को तोड़ी, दूर से यहाँ पर स्प्रे आया, काशू की हेल्थ काफी लो की, मास्टर ओपी फ्लक्स ओपी पीछे से आए, प्यारा सा स्प्रे काशू को डाला फिनिश, यहाँ पर कमाल का गेम प्ले, जीएस ओपी ने काशू को डाला, यहां पर जीएस वालों ने टीम के किल ढाप लिया है भाई, क्या हाँ क्या बात है, ओके ब्रो लव यू, आर लव यू टू ब्रदर। यहां पर डीटीएस के बंदे टॉर्नेडो एस्टर, मेरे ख्याल से बलेजी को भी फिनिश किया जाएगा, एस्टर भाई का माल का गेम प्ले दिखा रहे, एस्टर वर्सेस मास्टर, यहां पर कौन है असली मास्टर देखने लायक होगा, टीम डीजी भी दूर से यहां पर मजे लेते हुए, ये बंदे कर रहे ले नॉक, दूसरे कर रहे ले फिनिश, यहां पर कौन करेगा, MZXY पीछे से वहां पर मास्टर को करते हुए नॉक, फ्लक्स ओपी अकेले बाकी है, फ्लक्स ओपी यहां पर क्या 1v3 निकाल देते हैं डीटीएस की टीम के सामने, डीटीएस यहां पर किशू काशू की जोड़ी, जो काशू भाई खत्म हो गए, किशू काशू की जोड़ी जो काफी हद तक टूट गई है, मगर डीटीएस के बंदे रुकने नहीं वाले मेरे भाई, फ्लक्स ओपी यहां पर अकेले कुछ कमाल कर सकते हैं क्या, बलेजियन ईस की जो बग्गी पलटी हो गई, तो भाई तेरी बग्गी तेरी घोड़ा, डीटीएस वाले भाई बोले नहीं बोल सकता नहीं तो भाई तुम लोग फिर से यहाँ पर कुछ इशू हो जाएगा, लड़ा बैड़ा बोला तो, खैर फ्लक्स ओपी को देखते हैं, वहाँ पर टीम डीजी भी आ गई है, मास्टर ओपी एंड फ्लक्स ओपी पीछे से आए थे, फ्लक्स ओपी ने प्यारा सा नॉक डाला था काशू को, मगर वहाँ भाई दूर से ढाप लिया किल डीटीएस टॉर्नेडो का वो स्प्रे, एंड वहां पर नॉक किया है डीजी वालों को, ग्लिच बिल्लू वाइट यहां पर क्या घुस जाएंगे, डीजी डीटीएस किशू सामने, ये प्यारा सा मौली गया, मगर नहीं किशू भाई अंदर भाग गए हैं, यहां पर टीम डीजी जीएसओपी डीटीएस एस्टर बिल्कुल सामने, एक नेड़ कहानी समाप्त हो सकती है, दो बंदूक की यहां पर डीजी जीएस के ऊपर क्या नेड़ जाएगा, जय नेड़ तो गया है, क्या फोड़ा है बंदों को, क्या फूड़ा है बंदों को, डीजी सीड की हेल्थ लो कर दी है मेरे भाई, सीड की थोड़ी सी हेल्थ लो, मगर सेटन फ्लक्स का वो फिनिश वहां पर डालते हुए, डीटीएस किशू की हेल्थ वहां पर कम, सेटन फ्लक्स का वो स्प्रे, सेटन फ्लक्स ओपी इन द चैट, यहां पर किशू भाई को नॉक किया, डीजी वालों ने वहां पर डैमेज दिया था, मगर फ्लक्स भाई ने यहां पर से देखा, एंड क्या ही घुटनों पे फेंका, रिवाइव देना होने वाला है काफी मुश्किल, AW चिन्ना वाइटी यहां पर देख सकते हैं कि M4 का ग्लेशियर बिल्कुल जो अपने किल फील्ड में चमक रहा है, चमका रहे हैं, क्या बात है, AW चिन्ना वाइटी MVP प्लेयर showing his MVP game play, and वही AW के और एक बंदे को वहां पर नॉक कर दिया गया, अभी तीन टीम यहां है, फ्लक्स ओपी अपने पैरों तले आगे जा रहे हैं, DTS के बंदे उनके सामने, एस्टर भाई ओपन में, एस्टर को क्या यहां पर स्प्रे गया था मगर नहीं कर पाए नॉक, किशू भाई भी यही अंदर है, किशू भाई क्या करते हैं यहां पर कुछ कमाल, किशू भाई क्या नया इशू यहां पर क्रिएट कर सकते हैं फ्लक्स ओपी के लिए, किशू भाई का खुद का हेल्थ वहां पर कम है, नेड़ वेड़ तो डाल रहे हैं, फ्लक्स ओपी वर्सेस डीटीएस यहां पर कौन बाजी मारेगा, जोन के बाहर काफी ये फाइट हो रहा है, जोन के अंदर जाना होगा सारी टीम्स को, AW की टीम वहां पर देख सकते हैं बिल्कुल जोन के अंदर दबदबा बनाए हुए है, 43 बंदे 15 टीम, कौन सा टूर्नामेंट है ये, AKOP ब्रदर, ये है सीट एंड गॉड्स का टूर्नामेंट, मिडनाइट टूर्नामेंट है, 5 days 1K, ओ फ्लक्स ओपी को यहाँ पर एस्टर बोले हम है मास्टर, एंड DTS की टीम यहाँ पर कमाल दिखा दे, फटाफट से हील लेके यहाँ पर जाना होगा जोन के अंदर, फटाफट तो हीलिंग्स लगा रहे हैं, एंड वही टीम डीजी की DGCS की जो टीम है टीम DG वहाँ पर जोन के बाहर जाके वेट करेंगे क्या DTS के बंदों का आने का, देखने लायक होगा तो होगा यहाँ पर क्या होता है सीन, एंड वही और कहाँ फाइट चालू है सामने, यही मेरे ख्याल से चालू है GT वर्सेस टीम नंबर 16, यहां पर ए ही लवली को लवली वाला नॉक, ही वॉल पेन वहां पर कमाल दिखा रहे, बिल्कुल पेन पहुंचा रहे, मगर पेन को भी पेन पहुंचाते हैं NGT, अभी यहां पर सामने आए भाग के, एंड वही भेज दिया घुटनों पर उनको, कमाल का माफिया हीरो का वो स्प्रे था, ही वॉल पेन नॉक है, ए बंटी ओपी भी कमाल का गेम प्ले वहां पर दिखा रहे हैं, बंटी ओपी की हेल्थ काफी लो है, बंटी ओपी के बंदे भी नॉक है वहां पर, क्या STY आके बचा लेंगे इनको या नहीं यहां पर देखने
देखने लगा हुआ स्टीव वाई भाई मेरे ख्याल से रिवाइव दे रहे हैं एंड पीछे से टीम नंबर 10 हमला करते हुए डी डब्ल्यू जॉनसन को वहां पर नॉक कर दिया। वाइपर बोट टॉक्स का माल का गेम प्ले दिखाते हुए एंड एनजीटी पवन ने वहां पर रिवाइव दे दिया। बिको बंटी ओपी जा रहे हैं, बंटी क्या बजाएंगे घंटी सामने वाले बंदों का। बंटी ओपी एक्सटीआर वेदांत थे ब्रो, हेलो ब्रदर, वेलकम टू वाला स्ट्रीम ब्रदर। बंटी ओपी पीछे से क्या उनको फटके पड़ेंगे। बंटी ओपी का वो नेड स्काई का फिनिश उनको आ रहा है भाई एंड ये सामने नेड गया जीएस वालों के ऊपर। D4RS के स्केलेटन DW स्पाइडी को मार रहे हैं एंड यहां पर AE बंटी एंड सामने है डीजी। AE की टीम यहां पर क्या कमाल दिखा दे, पीछे से NGT की टीम भी है। यहां पर काफी ज्यादा उनको सावधान रहना पड़ेगा, आगे से पीछे से फटके पड़ने वाले हैं। मगर माफिया हीरो वहां पर हीरो बनते हुए NGT पवन को प्यारा सा नॉक। अभी भाई को उनको रिवाइव देना होगा अभी के अभी एंड यहां पर देख सकते हैं कि टीम डीजी के AE लवली को नॉक। क्या ही लवली नॉक, जेड भाई आया राइट से गए मगर वहां पर क्या प्यारा नॉक देते हुए। AE की टीम कई हार मानने का नाम नहीं ले रही। ओपी भाई बंटी ओपी आपके ऊपर फिनिश डाल के चले गए। STY की हेल्थ पूरी बाकी है, क्या यहां पर 1v1 में बाजी मार लेंगे स्पार्की, मगर नहीं। ग्लिच बिल्लू आईटी का वो स्प्रे वहां पर STY को नॉक करते हुए 1v1 होने नहीं दिया। दूसरा घुस गया बीच में, ग्लिच बिल्लू आईटी अकेले बाकी है। AE की टीम यहां पर स्पार्की भाई भी बाकी है, स्पार्की भाई बिल्कुल उनके अंदर घुस गए एंड वहां पर स्पार्की भाई नॉक कर रहे, दो बंदों को मारा। यहां पर बिल्लू आईटी को भी मारा एंड क्या पीछे से यार स्पार्की भाई फिनिश करेंगे। स्पार्की भाई का वो स्प्रे, स्पार्की भाई का माल का यहां पर क्लच निकाल गए मेरे भाई। क्या ही यहां पर बंदों को पेलम पाली देके 4 किल्स निकाल लिया स्पार्की भाई, आपका क्या ही कहना मेरे भाई। मजबूत सा यहां पर फाइट देखने को मिला। यही के बंदों को स्मोक के अंदर उनके घर में जाकर घुस के मारा भाई। ये नया स्पार्की है, ये देखेगा नहीं सीधा घुस के मारेगा मेरे भाई। ओ DTS की इशू यहां पर अकेले बाकी है। बोलो भाई कैसे ज्वाइन करे। अरे ब्रदर हो गया रजिस्ट्रेशन, फुल 5 days टूर्नामेंट भाई, व्हाट्सएप पे सब हो गया था भाई, कितना इनको स्प्रेड किया था ये सब में एंड कल के स्ट्रीम में भी बता दिया था, परसों के माफ करना। माफिया हीरो यहाँ पर प्ले जोन से DW जॉनसन मरते हुए एंड अभी देख सकते कि 26 बंदे 11 टीम बाकी है। ऑक्सीजन 8 ई स्पोर्ट्स वहाँ पर देख सकते हैं। और कब है, और अभी ये खत्म होने के बाद, ये फ्राइडे को खत्म होगा, फिर नेक्स्ट टूर्नामेंट की प्लानिंग हम करेंगे ब्रदर। यहाँ पर ETN के बंदे अभी भी बाकी, शिवाम सोहन एंड बोटॉक्स भाई ग्लिच बिल्लू आईटी वहां पर DTS की शो को फिनिश करते हुए। टीम डीजी के दो बंदे मोटा ढोकलू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो वे सब। अरे थैंक यू ब्रदर भाई, ठीक है भाई, थैंक यू। ऐसा सपोर्ट दिक्कत ही रहोगा। 7 लाइक का एम था, 7 लाइक किए क्या, वो कर दो ना भाई, 6 ही लाइक हुए यार, 7 लाइक, 1 लाइक, 1 लाइक मोर यार, 10 लोग 11 लोग देख रहे भाई, 6 ही लाइक हो गया, थोड़ा 7 लाइक कर दो यार, मेरे को पहचाना क्या। नहीं ब्रदर मोटा ढोकलू भाई, नहीं कैसे पहचानूंगा, ये रेडन है क्या शायद, पता नहीं भाई नाम बताओ, रेडन लग रहा है मेरे को तो। हो गया ब्रो, अरे थैंक यू सो मच OP ब्रदर, ऐसा ही सपोर्ट दिखाते रहो। 10 टीम बाकी। ओ 80 एटम वाइटी वहां पर फूट गए एटम बॉम्ब से। 7x फ्लैश ओपी वहां पर कमाल दिखा रहे हैं, यहां पर देख सकते हैं फ्लैश ओपी वर्सेस टीम नंबर 24 D4R स्केलेटन के ऊपर स्प्रे। AJ भाई ने स्केलेटन को नॉक डाला मगर स्केलेटन के टीममेट का वो कवर आया ईगल भाई यहां पर है जी, बिल्कुल यहां पर D4RS के मैं मानूंगा कि जो MVP प्लेयर है ईगल भाई, यहां पर देख सकते हैं ईगल आई के व्यू से क्या बंदों को टेपम टापी पेलम पाली यहां पर दे सकते हैं। आशु भाई वेलकम टू ऑल आई स्ट्रीम भाई, मोटा ढोकलू सही है यहां पर देख सकते हैं। दा पंखा लाओ ना यहां पर, ओ स्प्रे तो जा रहे हैं अंदर। D4RS के ईगल क्या करते हैं, 1 किल है आज उनका एंड क्या और किल्स निकाल सकते हैं। DW टीम को वहां पर फटके पड़ रहे, ETN की टीम मार रही है क्या उनको। यहां पर ईगल भाई ने कार 98 निकाला है, फटके दिखाओ। पीछे से आए फ्लैश ओपी मगर फ्लैश ओपी को दी गोलेची झोपेची गोली यहां पर, क्या ही D4RS ईगल ने चलाया M4 पीछे देखा एंड क्या ही वहां पर लॉबी में फेंका D4RS के ईगल ने फ्लैश ओपी को यहां पर, उनकी कहानी समाप्त करते हुए एंड यहां पर D4RS के ईगल देख सकते हैं फटाफट से बंदे को रिवाइव दिया।
अपने को भाई ईगल भाई स्नाइपिंग दिखाओ ना भाई प्लीज भाई। माफिया हीरो वहां पर चंदू वाइटी को डाक डाल रहे हैं भाई काफी ज्यादा। वेंकी भाई को भी यहाँ पर फिनिश कर दिया है, मगर यहाँ पर MZY भी फिनिश नॉक होते हुए, माफ करना यहाँ पर ग्लिच विल्लू वाइटी अकेले बाकी है। नहीं इस बार की भाई भी उनके साथ बाकी है। 6 टीम 16 बंदे, कौन मारेगा बाजी। फटाफट से भाई अपनी टीम को सपोर्ट दिखाओ, हमारे लाइव चैट में आओ, फटाफट से लाइव स्ट्रीम पे जुड़ जाओ, शेयर लाइक सब्सक्राइब सब कुछ ठोक दो भाई। MZY वहाँ पर नॉक हो गए थे नेड से एंड उनको यहाँ पर रिवाइव मिल गया है एंड अभी भी यहाँ पर फाइट बाकी है। लोग देख रहे हैं चैट कोई नहीं कर रहा, अरे करो भाई करो, करेंगे। D4RS के वुल्फ वहाँ पर, बिल्कुल वुल्फ भाई रात में जो जागृत होते हैं किसी कभी रुकने का नाम नहीं लेते, यहाँ पर बिल्कुल जो वुल्फ है अपना क्या बोलते हैं मच्छारे ले है भाई वहां पर। क्या नॉक डाले हैं, लेट के दिया स्प्रे, बोटॉक्स का बोटॉक्स तोड़ दिया है वहां पर। D4RS वुल्फ भाई कमाल का गेम प्ले दिखाते हुए है भाई साहब, क्या बात है। D4RS की टीम क्या यह बाजी मार सकती है। ETN सोवन वहां पर अंदर गए हैं, टीम नंबर 13 उनके सामने, क्या 1v3 यहाँ पर क्लच दिखा देंगे सोवन भाई। ETM शिवम वाई पर बोटॉक्स फिनिश हो गए, मयंक भाई बहुत पहले फिनिश हो गए थे, गाड़ी के बैठा सोन के ऊपर ये नीड गया था और काफी ज्यादा डैमेज पड़ा है। सोन किधर मार रहे हैं भाई, दरवाजे से मारने की कोशिश, मगर ये प्यारा नीड सीरियो टॉन ओपी नीड के साथ वहां पर खत्म कर दी। ETN के बंदों की रात, अब रात नहीं खत्म हुई भाई, एक मैच अभी भी बाकी है इरंगल का, मगर जो भी है नेक्स्ट गेम विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। यस ब्रदर फ्लक्स ओपी वेलकम टू माय स्ट्रीम नॉइस सुजल भाई, ये सुजल नहीं ये संस्कार है मोटा डोकलू भाई। यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 बंदे अलाइव, ईम बाकी 3, कौन बजेगा यहाँ पर बीन, कौन बनाएगा किसको सांप एंड चिकन डिनर कौन करेगा प्राप्त, ये बड़ा क्वेश्चन है। टीम DG के बंदे भी अभी बाकी है, क्या कमबैक दिया ये टूर्नामेंट के पहले मैच में। स्पार्की भाई वहाँ पर क्या उनके ऊपर स्प्रे गया है क्या भाई, यहाँ पर टीम नंबर 13 संस्कार को सुजल बोलो ओहो यहाँ पर देख सकते हैं गलेज बिल्वाईटी टीम DG स्पार्की और सलान भाई वहाँ पर है टीम नंबर 13 के, और सलान भाई के ऊपर क्या उनकी टीम के ऊपर फटके आए हैं यहाँ पर देखते हैं। अरसलान भाई क्या कमाल करते हैं, गाड़ी निकल के जोन के बाहर से वो आ रहे हैं, अरसलान भाई को देखा एंड ग्लिच बिल्लू आईटी ने उनको फेंका घुटनों पर एंड वही से जोन के बाहर से उनको जाना होगा लॉबी के अंदर। कमाल का यहाँ पर राइजन का भी यहाँ पर किल लेते हुए यहाँ पर ग्लिच बिल्लू आईटी, आपका क्या ही कहना सर जी। वहाँ पर सेरियोटॉन जो भी है D4RS वाले भी बंदे बाकी। ओ मेरे भाई स्केलेटन का वो स्प्रे था, स्पार्की को फिनिश किया, D4RS की टीम कमाल का गेम प्ले दिखाते हुए DG सेरियोटॉन ओपी को मारा स्केलेटन का वो स्प्रे एंड कमाल का चिकन डिनर यहाँ पर D4RS ओपी इन द चैट। स्केलेटन भाई क्या कमाल गेम प्ले दिखा ले गए भाई, 7 फिनिशेस के साथ है स्केलेटन भाई अकेले यहाँ पर, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 फिनिशेस के साथ चिकन डिनर है D4RS की टीम के हाथ। क्या बात है मेरे भाई, बहुत सही, बहुत सुंदर, बहुत अति उत्कृष्ट, अति अप्रतिम एंड जबरदस्त गेम प्ले यहाँ पर, पूरा गांड फाड़ गेम प्ले दिखाया है D4RS की टीम ने। वही सेकंड पोजीशन पे आ गए हैं राइजन की टीम और सलान भाई की टीम, ये कितना फिनिश है, 4, 5, 6, 7 फिनिशेस के साथ सेकंड पोजीशन प्राप्त करते हुए टीम DZS की टीम DZ यहाँ पर देख सकते हैं कि थर्ड पोजीशन अच्छे खासे किल्स निकाले थे भाई, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 10, 3, 13 फिनिशेस के साथ है टीम DZ, क्या बात है, बहुत अच्छा। एंड ETN की टीम यहाँ पर देख सकते हैं 4 फिनिशेस के साथ फोर्थ पोजीशन पे। MZ Bobby YT की टीम ने भी काफ़ी अच्छे फिनिशेस निकाले थे, 4RC के ऑक्सिलर वाई क्या बात है भाई, 4 फिनिशेस निकाले उन्होंने, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिनिशेस के साथ पोजीशन फिफ्थ प्राप्त करते हुए। टीम नंबर 6 DW स्पाइडी की टीम, DW की टीम यहाँ पर 0000 फिनिशेस के साथ पोजीशन 6 प्राप्त करते हुए। वेंकी ऑक्सीजन स्पोर्ट्स की टीम यहाँ पर देख सकते हैं 0000 फिनिशेस के साथ पोजीशन 7 वहाँ पर मिलता है उनको। टीम नंबर 8 यहाँ पर देख सकते हैं टीम 7X फ्लैश टीम है ये, 4, 5, 6 फिनिशेस के साथ पोजीशन 8 प्राप्त किया। वाइपर शक्ति की टीम ने भी वहाँ पर 3 फिनिशेस निकाले एंड 9वीं पोजीशन पर आ गए। वेनम की टीम यहाँ पर देख सकते
0-0 फिनिशेस के साथ है एंड पोजीशन है 10वां। डीटीएस के बंदों ने काफ़ी अच्छा पार्टी किया, 2-3-4-5 फिनिशेस के साथ थे, 11वीं पोजीशन प्राप्त की उन्होंने। पोजीशन ए की टीम विथ 2 फिनिशेस, वही देखते हैं कि इवोल पेन की टीम उतरते वही वो लोग पेलना चालू कर दिए थे। इवोल पेन 3-4-5 फिनिशेस के साथ है। इवोल पेन की टीम कमाल का गेम प्ले देखा एनजीटी की टीम ने भी। एंड AW जो लास्ट के जो है अपना टूर्नामेंट के विनर्स थे चिन्ना वाइटी ने भाई ज़्यादा कुछ कमाल नहीं दिखा पाए, 1 किल उन्होंने निकाला, मगर AW की टीम ने 14th पोजीशन यहाँ पर प्राप्त किया। सीटन गॉड्स की 2.0 का वहाँ पर देख सकते हैं, फ्लक्स भाई ने 1 किल निकाला था, 15th पोजीशन आया। 16th पे रोग की टीम रोग यश वहां पर देख सकते हैं, 4 मून्स विशु SQ9 स्वप्निल वहां पर है, 1 फिनिश है उनका। खैर कोई दिक्कत नहीं, अच्छा फाइट दिखाया, मगर 1 किल के साथ यहां पर पोजीशन 16 उनका प्राप्त हो गया है। पोजीशन 17 पे देख सकते हैं 1 FPS की टीम, अच्छे खासे किल्स तो निकाली है, 4-5 किल्स है उनके, 5 किल्स एंड पोजीशन 17। पोजीशन 18 पे है T-Rex बापू की टीम। बापू भाई कमाल का गेम प्ले दिखा रहे थे मगर उनको टाप दिया भाई, 3 किल्स है उनके टीम के भी। एंड वही EXTR की टीम वहां पर 1 फिनिश के साथ है पोजीशन 19 पे। पोजीशन 20 देख सकते कि वोल्ट एसिड की टीम ने प्राप्त किया है, वोल्ट ऑन फ्रॉय, वोल्ट रैगनर, उनका 4th मैन नहीं आ पाया पता नहीं क्यों, वोल्ट ऑन फ्रॉय का 1 फिनिश है उनमें। एंड XLR8 की टीम यहां पर देख सकते 0-0-0-0-0 फिनिशेस के साथ है। वही टीम नंबर 22 पोजीशन 22 एथोन की टीम है तनिष्का, क्या ही कमाल भाई, क्या ही कमाल दिखाया था तनिष्का जी ने, 2 फिनिशेस मारा था उन्होंने भाई कमाल। एंड वही सेटन गॉड्स की 1.0 या टीम नंबर 1 जो भी बोल सकते हैं, जो लास्ट टूर्नामेंट में मारे थे 2nd पोजीशन, वही जो है पहले ही यहाँ पर उनका पत्ता कट कर दिया था, खैर अभी रंगल का मैच बाकी है तो कहीं नहीं जाना रहे। ऑफ द मैच यहाँ पर देख सकते हैं D4R स्केलेटन गोइंग ऑल आउट एंड बेस्ट कंपेनियन यहाँ पर देख सकते हैं 4RC के ऑक्सिलर Y को मिलता है। एंड D4R के स्केलेटन भाई 7 फिनिशेस 1 असिस्ट, स्केलेटन भाई MVP ऑफ दिस मैच कमाल दिखाते हुए, क्या MVP, ये MVP प्लेयर पूरा टूर्नामेंट में मचाएगा, क्या होगा यहाँ पर देखने लायक होगा मेरे भाई, दूसरा रूम बहुत सून बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा, तो भाई इधर नहीं जाना है, स्टीम पे ही रहना रे, ओए ओए अगीन गाड़ी धुरांचरी सहवित गाड़ी पड़ती झाड़े पाहूया मामाच्या गावाला जाऊया मामाच्या गावाला जाऊया दिल तेरा ले ले, सॉरी दिल तेरा दे दे मुझे और नाम तेरा दे दे मला, दिल तेरा दे दे मुझे और नाम तेरा दे दे मला, मुझको बना ले तेरी कार भारी, तू बन जा मेरा दातला। धक दिन अरे अपन TDM खेलते ना भाई, दूसरा रूम बनने तक 39 हुआ है, अरे काफी टाइम रे बबड़िया, इतने जल्दी मैच फिनिश हो गया रे, आसक कसो रे भाई, थोड़ा अपन फिर व्हाट्सएप देख के आते जरा क्या हो रहा है उधर से, चलो आते टैक्सी फुर उठ
नेक्स्ट मैच टीम EXTR, अरे भाई टीम EXTR देखते क्या कमाल करते हैं नेक्स्ट मैच में टीम EXTR। मजा आएगा बिल्कुल मजा आएगा। रे TDM खेलते हैं तब देखो मेरा हगरा गेम प्ले देख सकते तुम लोग अभी। जाने तो कहा है उड़ती हवा में मेरे पैरों के निशान देखे। ओह माय गॉड मेरे को वो टीम में जाने का था यार। सैड उड़ जा कहीं समय से परे सॉरी ब्रदर, ऐसा का ऐसा तुम एकदम सामने आ गया ना ब्रदर। वेलकम बैक। अरे अपने गाने बोलते आप भी गा सकते हैं, वैसे आप अगर बोलो रिक्वेस्ट करो तो गा देंगे भाई, कोई दिक्कत ना है। नहीं है यार भाई, ये कैसे नहीं मरा ये, हाउ कम भाई फर्स्ट लक मारूंग गिला भाई। मेरा जो है सेंसी ना अलग सा गलत सा क्या तो लगा है मेरे को पता नहीं भाई। ये स्लाइड मारता है साला, हट इधर ही थी मैं। हमको क्या पता तुम चैट्स नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि तुम इधर हो कि किधर हो। हाँ हमको तो लगेगा ना इधर गई तुम उधर गई, जाने कहा तुम किधर गई मैं तो फिसल गया, ये तूने क्या किया। हेल्थ तो काफी लो है। नंबर 2 ओपी ब्रो ओपी। भाई मेरे को मार के जाने वाले हैं, मैं एकदम जो सेंसी है ना हिल गया पहले से, मेरे को नहीं हो रहा है खेलने। कैसा मारा झोपून मारतो रे हा हिचा इच्छा दाना हिचा, ये परत झोप जायला कुठे गेला झोपाळू प्राणी। ओ क्या फटका पडाता रे उसको। ए ए ए बदलू बहू क्या ही नाम है भाई। ओके बबड़ी यस दिल तेरा दे दे मुझे और नाम तेरा दे दे मला। हक दिया मैं, चैट्स पढ़ रहा था सामने और क्या। दिल तेरा दे दे मुझे और नाम तेरा दे दे मला। ओपी फिनिश डाल रहा है मैं भी। नेड़ है, अरे कैसे नहीं है मेरे को लगा आएगा रे। साजन जी यो शिन बॉय फक बॉय। ये मेरा बंदा ऊपर क्यों चढ़ा भाई, चुपचाप रिलोड करना नीचे। सो गया ये कहाँ। ओपी ओपी भाई ओपी, जो भी बंदा था मस्त, क्या ही रिफ्लेक्स थे भाई। मैड मैक्स मेरा अगर एक बार सेंसी बदल जाए पूरा ना। अच्छा था यार मैंने दूसरे का लेके यहाँ पर, सही में बहुत बड़ा गलती कर दिया, हक दिया है मैं। कोई नहीं प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वैसे पहले भी कई हफ्ता ही था मैं। ये कौन मारा कहाँ से मारा, शिन बॉय मारा।
शिनोबी, शिनो बॉय नहीं शिनोबी। आगे ही नहीं जाना है मेरे को। भाई 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 व्हाटएवर यार, बदल बाबू। अरे जीत गए वो, एक किल मारने का तारे बबड़न नो। मैड मैक्स बंदी थी, ये बंदा ही था मेरे ख्याल से, बंदी का फोटो लगा के आया है भाई। झूठा झूठा है झूठा। फोर्टी एट हो गए, एक मैच वैसे खेल सकते हैं मगर नहीं खेलेंगे। Yes, we are back. अबे अपन वेट करते हैं अपने को कब बुलावा आएगा। फक कॉल में कौन भाई, नंबर रिवील हो गया स्ट्रीम पे, काहे कॉल करना था, काहे दिया परदेश हो गया। आ गए ले फिर से भाई, दोस्त का कॉल है तब पता नहीं क्यों, बाद में बोलेगा मेरे को जो भी है ही। मगर तुम लोग बने रहो, इरेंगल का मैच कुछ क्षणों में, पलों में, कुछ टाइम में चालू होने वाला है। तो बाय बबड़िया बंद्या नो कुटे न का जाऊ टेस तांबा। ए दिल तेरा दे दे मुझे और नाम तेरा दे दे माला। पानी लेके आता हूँ बस, जाने तो कहा है उड़ती हवा में मैंने पैरों के निशान।
काम में बिजी है ना। कोई है क्या स्ट्रीम पे? कोई भी नहीं यार, एक ही जने। इनवाइट कोई नहीं आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, अपन आ गए रे फिर से। किशु भाई ने अपने को इनवाइट भेजा था, पता नहीं क्या हो गया, गलती से आया था क्या? प्लेयर है जॉइन अनदर टीम, गलती से आया रहेगा, मेरे को कुछ काम वाम रहेगा। TSF नेक्स्ट मैच चिकन मारेगा, केदार म्यूजिक। ओ हो भाई, क्या ही कौन डिफेंस है भाई, मजा आएगा। ऐसे ही कौन डिफेंस दिखना चाहिए सारे लॉन्डो में। सही है, बिल्कुल सही है। केदार म्यूजिक का यहाँ पर जो प्रेडिक्शन या जो भी है, कॉन्फिडेंस है, कौन इसको मात दे सकता है क्या? कौन सी टीम मारेगी चिकन, देखने लायक होगा भाई, क्योंकि ये है इरांगल का मैच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। हे मित्र, मन तिरके तिरके मन भिरके भिरके तेरा कह के मधुको, मेरे दिल की बात जाने कायनात, मेरे दिल की खबर बस तुमको, आना बात प्यार खिलाना, आना थोड़ा प्यार जताना, रांझणा हुआ मैं तेरा,
कौन तेरे बिन मेरा, ओ कौन तेरे बिन मेरा। पर्दा बंद कर रहे ब्रो, पर्दा बंद करता हूँ। चलो चलो चलो, यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे कैसे बंदे जुड़ रहे हैं, देख सकते हैं कि कैसी कैसी टीम आ रही है। ETN, ETN, ETN. ब्लिट्स साइबॉर्ग, ब्लिट्स वोल्ट की टीम। ओ वोल्ट के चारों बंदे यहाँ पर देख सकते हैं। नोआ वाई लास्ट मैच में नहीं थे, यहाँ पर नोआ वाई का जो है आगमन हो चुका है। क्या नोआ वाई ये मैच में आके कुछ बदलाव ला सकते हैं, बहुत बड़ा बहुत गहरा बदलाव ला सकते हैं क्या? देखने लायक होगा ना मेरे भाई। टीम एक्सट्रीम बॉट्स, अरे भाई एक्सट्रीम बॉट्स के भी सपोर्टर यहाँ पर आ चुके हैं अपने लाइव स्ट्रीम में। भाई तुम्हारे टीम के सपोर्टर कहाँ है भाई? जो भी देख रहा है भाई फटाफट अपने अपने टीम्स को भाई सपोर्टर्स को लेके आओ भाई। यहाँ पर लाइव चैट में पूल, यहाँ पर अलग सा झगड़ा होना चाहिए, अलग से यहाँ पर बैटल होनी चाहिए। एक XTR का सेकेंड लाइनअप था। ओके। अभी ये मेन लाइनअप आ गया, हार्दिक, आयुष, प्रिंस एंड पैडी भाई भी लेते लास्ट मैच मेरे ख्याल से। वेदांत भाई यहाँ पर नहीं है, वेदांत भाई शायद आ जाएंगे सपोर्ट दिखाने, वो आते हैं हमेशा। एंड एंग्री ई स्पोर्ट्स के बंदे यहाँ पर आ चुके हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। क्या ये बात है भाई, क्या ये लास्ट मैच भाई पेलम पाली की थी साइको असॉल्टर को, क्या ही डीपी लगा, क्या है असॉल्टर भाई, ये सच्ची में लड़की तो नहीं ना? पता नहीं मेरे को, मेरे ख्याल से कि मॉडल का फोटो है, क्या है असॉल्टर भाई। कमाल है भाई, पर सक किया भाई उनके साथ, रिपोर्ट मारो। भाई सही है। स्लॉट 23 वेस्टर्स भाई, स्लॉट 4 भी वेस्ट कर दिए हैं। वेदांत दूसरी टीम से खेल रहा, ओ कौन सी टीम से खेल रहा, नहीं दिख रहा। ये XTR वेदांत किधर है? कोलैबोरेशन हो गया यहाँ पर भाई, पर जो नाम सबमिट किए थे ना वो अगर चेक किया मैनेजमेंट ने, मैं खुद मैनेजमेंट हूँ, लोरे दे दसन हो जाएगा भाई, दिख रहा तो नहीं भाई। 8W के दो ही बंदे आ गए, अरे 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 स्लॉट 19 में बैठा है क्या? ओ वेनम की टीम के साथ है, भाई बीटी दिया क्या करूं। उनके उनका लॉस हो जाएगा भाई, तुम लोग का कोई सीन नहीं। यहाँ पर रिरंगल का मैच स्टार्ट हो गया, 12:01 शुभ टाइम पे शुभ मैच यहाँ पर चालू होते हुए, देखने लायक होगा कौन सी टीम मारने वाली है बाजी। बाय रांचेड़ा हुआ मैं तेरा, कौन यहाँ पर लेगा मेरा चिकन डिनर मेरा। मैं सॉरी बाय, कुछ नहीं ऐसे यहाँ पर रन कर दिया मैं गलती से। Match starts in 55 seconds. What a fucking lag, fucking glitch, fucking shit. Don't know what the fucking shit is happening over here. And यहाँ पर 55 seconds से जो एक सेकेंड भी कम नहीं हो रहा है, पता नहीं ये कौन सा glitch फिर से है। हर मैच में हर एक glitch यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हर एक प्रकार का glitch आ रहा है भाई, पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। देखते वेट करते कब तक यहाँ पर सब चीज़ें रेंडर होगी, कब तक यहाँ पर सब चालू होगा, क्या प्लेन का पाथ भी दिखाएंगे अपने को या फिर से लास्ट मैच जैसा सीन होने वाला है। ओ ब्रो देखते हैं ब्रो क्या होगा ब्रो। ओ मेरे ख्याल से चालू हो गया प्लेन पाथ भाई, यार क्यों ये बीटी होता है भाई।
ओवरऑल में मेरे को सिर्फ दो बंदे दिखा रहे हैं, मतलब क्या ही बोल सकते हैं बीजीएमआई वालों को यार। वन एफपीएस के बंदे यहाँ पर उतरते हुए, और मेरे भाई स्पेक्टेट 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 उन्हें करना है। अरे यार दिखाओ यार, रेंडर हो जाए यार। आना बात है आना बात है प्यार खिलाना, आना थोड़ा प्यार जताना, राजना हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा, ओ कौन तेरे बिन मेरा। रिस्टार्ट मारो। अरे वो नहीं, ऐसा होते रहता है, रिस्टार्ट मारेंगे ना फिर से और टाइम जाएगा फालतू का, इसमें ऐसे ही होगा। परसों भी यही सीन हुआ था शायद। थोड़ा एक मिनट रुकते हैं, फिर रिस्टार्ट मार के देखते हैं। और नहीं भाई, वन एफपीएस लूफी यहाँ पर देख सकते हैं कि उतरते हुए अपने को दिख तो गए हैं। थोड़ा टाइम जाएगा वाटर सिटी के अंदर। यहाँ पर वन एफपीएस की टीम हर रोज का यही ड्रॉप है उनका। यहाँ पर क्या ईएक्सटीआर वाले भी उतरे थे हैं, मेरे ख्याल से उतरते हैं, मगर क्या अपने को फाइट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मैच 7:59 55 सेकंड्स, एक ग्लिच अभी भी मौजूद है। रिस्टार्ट मारो भाई, देखते हैं देखते हैं देखते हैं, दो मिनट रुको, देखते हैं। लास्ट मैच में भी दो मिनट में आया ही था, खैर देखते हैं क्या होता है यार। यार रोग यश यहाँ पर देख सकते हैं, रोग की टीम है यहाँ पर गाड़ी के अंदर। क्या फटाफट से रेंडर हो जाएगा मेरे भाई। मिच बिल्लू वाईटी को देखते हैं अपन। एक्सेलरेट ने ईटीएन सोहन को डाला है गाड़ी से नॉक। ओ मेरे भाई क्या ही सीन हो रहा है वहाँ पर। चंदू वाईटी ने एक्सटीआर पैडी को दिया, एक्सटीआर पैडी को भी गाड़ी से बनाते हुए डैडी। यहाँ पर ग्लिच बिल्लू वाईटी की टीम यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ है वो, के अंदर लूटा लूटी चालू उनका। ऑक्सीजन ईटी स्पोर्ट्स के बंदे भी देख सकते हैं वहाँ पर। गोकुल भाई कहाँ जा रहे हैं, गाड़ी वाड़ी लेके जा रहे हैं क्या प्रिजन की तरफ मेरे ख्याल से जाने की कोशिश। एक्सटीआर पैडी को चंदू वाईटी ने भाई दिया है फिस्ट से, फिस्ट का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है भाई। मगर अपन को अभी भी मैच 13:55 सेकंड्स दिखा रहे हैं। अपन बलेजी भाई अपने लिए लास्ट मैच लग रही है। हार्दिक ने गोकुल को नॉक किया वहां पर, क्या बात है, हार्दिक भाई को वहां मिल गया है जो है क्या बोलते हैं यूएमपी का नॉक एंड M16 से यहाँ पर हार्दिक भाई ने प्यारा सा फिनिश। गोकुल भाई की कहानी यहाँ पर हो गई है समाप्त। तो उनकी टीम क्या यहाँ पर आके बदला ले सकती है एक्सटीआर की टीम के साथ ये फाइट होते हुए। एंड अपन बल्लेजी डीडब्ल्यू की टीम यहाँ है, उनके सामने है टीम नंबर 10। क्या फाइट देखने को मिलता है वही देख सकते है कि ये बल्लेजी भाई अपने लिए लकी ठहरते हैं क्या। लास्ट मैच अपन उनको स्पेक्ट कर रहे थे एंड रेंडर हो गया था। खैर अभी कुछ ऑप्शन नहीं तो क्या कर सकते हैं ना, वही करना होगा। स्कूल के अंदर यहाँ पर है सेट एंगवास की टीम, देखते हैं बल्लेजी भाई को देख देख के क्या अपना रेंडर हो जाएगा। तब तक जो भी है वो किल फिट से देखते रहो और बने रहो हमारे लाइव स्ट्रीम में। दिल तेरा दे दे मुझे और नाम तेरा। 4RC के ऑक्सिलियरी वहाँ पर DW लूसीफर को नॉक करते हुए पोचिकिंग के अंदर वो फाइट होते हुए। रेंडर हो जाना मेरे भाई प्लीज यार प्लीज। DW जॉनसन ने माफिया हीरो को नॉक किया फटाफट से जाते उधर ही का, इसको देख देख के भी रेंडर नहीं हो रहा और वहाँ पर स्विच भी नहीं हो रहा यार। छूट जाए मैं रिस्टार्ट करता हूँ। ए भाई व्हाट्सएप खुल चालू था। शाबाश व्हाट्सएप का कॉन्टेक्ट तुम लोगों ने देख ही लिया रहेगा। दिल तेरा दे दे मुझे और नाम तेरा दे दे मल्ला, को बना ले तेरी कार भारे, ए राजा तू बन जा मेरा दादला, ए पचकन पादला। 8 बंदी देख रहे हैं भाई एंड लाइक कितना हो गया, 12 लाइक, क्या बात है भाई, लवली लवली बात। चले बबन सपोर्ट दिखा रहे तुम लोग, सही है। केदार म्यूजिक TSF OPR TSF के बंदों को भी देखूंगा ब्रदर, मगर ये
चालू होना चाहिए ना, इंटर मैच अगेन किया है, क्रिश मोदी भाई जैसे बोला था रिस्टार्ट मारो भाई, हमने रिस्टार्ट मार दिया, लेट्स होप फॉर गुड, लेट्स होप फॉर समथिंग फैंटाबुलस इन दिस फकिंग मैच एंड दिस फकिंग सिस्टम एंड द फकिंग वर्ल्ड इन दिस फकिंग निगा 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 फकिंग फकिंग शिट फक टिक फक टिक फक 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 चूतिया भी गेम है ये डवांस रूम, जब तक नहीं लेंगे ना तब तक ये नहीं होगा मेरे ख्याल से, ये एक्सपेक्टेड इंग्लिश है ना, चलते रहने वाला है ऐसा लग रहा है मेरे को। BGMI वालों के भी जो पैसा है, पैसा इम्पोर्टेंट है, पैसा कमाना है तो खैर क्या ही बोल सकते हैं भाई। दिल तेरा दे दे मुझे और नाम तेरा दे दे माला, अरे लौड़े का ये रिस्टार्ट भी करके भी फायदा नहीं, छाट का चूतिया है BGMI। पीसी का सर ये टॉन ओपी वहाँ पर मारते हुए बंदों को फटाफट से जाते हैं, यहाँ पर क्या रेंडर हो गया है, EXTR प्रिंस को अपन देख रहे हैं, आवाज कमी कर जा तो स्ट्रीमर, EXTR प्रिंस को यहाँ पर देख रहे हैं अपन, रेंडर होगा क्या इनको देखते देखते। 72 बंदे अलाइव है, टीम बाकी है 21, कौन मरेगा बाजी, कौन मरेगा चिकन डिनर, विनर विनर चिकन डिनर बाबा। ए ए भाई क्या अपने को यहाँ पर रेंडर हो गया, अरे भाई EXTR प्रिंस को देख सकते हैं अपन, यहाँ पर बगी में बैठ गए हैं, EXTR प्रिंस बगी में तो बैठ गए मगर रेंडर नहीं हुआ यार, भाई रेंडर हो जाए मेरे भाई प्लीज, भाई प्लीज, भाई प्लीज। ए लूसीफर, लूसीफर वहाँ पर EDN को मार रहे हैं, EDN फैंटम, EDN शिवम भी वहाँ पर कमाल दिखा रहे, भाई मजा नहीं आ रहा ब्रो, अरे क्या मजा आएगा भाई जाट भर का गेम है, चूतिया गेम, क्या मजा आएगा EDN शिवम, मजा आएगा जब सब रेंडर होगा ना ब्रो, रेंडर होगा तो मजा आएगा ना ब्रो। शिवम भाई यहाँ पर स्प्रे तो दे रहे हैं, NGT की टीम है उनके सामने, NGT अभी वहाँ पर देख सकते हैं, अभी 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 बोले अभी अभी नहीं, थोड़ा करो इंतजार जीतने के लिए ETM वालों, यहाँ पर NGT की टीम का माल दिखा रही है ETM के, रेंडर हो गया, हो गया हो गया, मेरे ख्याल से होने वाला है, होने वाला है, यहाँ पर ETN के वाइपर पर टॉक्स को अपन देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल होने वाला है जी, हो गया, तालियां तालियां तालियां, NGT की टीम बाकी है, ETN के वाइपर पर टॉक्स यहाँ पर अकेले बाकी है, 1v4 क्लच या नहीं, मजा आने वाला है अभी, वाइपर बोटॉक्स का ये नेड क्या प्यारा सा जाएगा, 69 बंदे, क्या ये आंकड़ा है भाई, 20 टीम बंदे 69, थोड़ा राइट में नेट डालेंगे बोटॉक्स भाई तो वहां पर तोड़ सकते हैं बोट। टीम नंबर 2 NGT की टीम, यहां पर बोटॉक्स, टीम नंबर 21 के बोटॉक्स, M4 आत में क्या स्प्रे गया, पवन को वहां पर, पवन हवा में भेज दिया भाई घुटनों पे वहां पर डालते हुए, वाइपर बोटॉक्स क्या लूसीफर बॉय का, ओ लूसीफर बॉय पे नेड गया था, थोड़ा उनको डैमेज पड़ा भाई मगर पवन को जो है नॉक्ड फिनिश डाल दिया भाई, वाइपर बोटॉक्स ओपे इन द चैट, अकेला बंदा क्या यह बनाता है फांसी का फंदा, टीम नंबर 2 के लिए क्या करेगा ये, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ETN वाइपर बोटॉक्स अकेले बाकी है, सामने तीन बंदे, 1v3 यहाँ पर क्या अभी दिखा सकते हैं, 1v4 हो जाएगा अगर तीनों को भी मार दिया, उनके ऊपर भी नेड़ आने वाले हैं, लूसीफर बॉय स्काई एंड अभी यहाँ पर तीन 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 करके स्प्लिट हो गए, एक एक करके स्प्लिट हो गए, माफ करो, एंड यहाँ पर अभी भाई जो है यहाँ पर टेरिस के ऊपर से नेड़ डालने की कोशिश, ये नेड़ गया, ये नेड़ जाएगा क्या, प्यारा सा नेड़ जाएगा क्या बोटॉक्स भाई के ऊपर, नेड़ तो फोड़ा है, फेंका है, हवा में फूट गया भाई, फटाक से रिलीज करना होगा मेरे ख्याल से अभी भाई को, अभी भाई क्या करते हैं, अभी भाई नहीं दे रहे स्प्रे, अभी तक नहीं दे रहे, पीछे जाके क्या घूम के जाएंगे स्काई के साथ, यहाँ पर क्या तरकीब अपनाते हैं, ETN वर्सेस NGT, टीम नंबर 21 मेरा बर्थडे वर्सेस टीम नंबर 2 मेरा बर्थ मंथ नहीं है, जस्ट किडिंग, यहाँ पर टीम नंबर 21 यहाँ पर वाइपर बोटॉक्स, क्या मेरे बर्थ डेट वाले जीत जाएंगे, स्काई भाई वहाँ पर लेफ्ट से क्या आएंगे, NGT के अभी बग्गी लेके गए, यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा,
क्या होगा वाइपर वो टॉक्स कहाँ से आएंगे अभी, क्या होगा अभी। टीम नंबर 8 वही राइट में आ गई है क्या जी, सीटन गॉज की टीम है क्या, सीटन फ्लक्स ओपी है जी, बिल्कुल वहाँ पर सीटन गॉज की टीम आ गई है। वाइपर बोटॉक्स के ऊपर स्काई का वो स्प्रे आया था, वाइपर बोटॉक्स ने वहाँ पर देखा है कि स्काई भाई लेफ्ट से आते हुए स्काई को देखा है क्या, वाइपर बोटॉक्स थोड़ा राइट में रहते तो नेड़ से फूट जाते। वाइपर बोटॉक्स का स्प्रे, लूसीफर का भी स्प्रे आ रहा है, विशु भाई फोर मून्स विशु वहाँ पर, क्या इस सामने वाली टीम को दे धनादन दे धनादन दे रेस के से, मगर एनजीटी के अभी का वो स्प्रे वाइपर बोटॉक्स को फिर से बोला नहीं नहीं अभी नहीं, थोड़ा करो इंतजार, नहीं मार सकते भाई चिकन, क्योंकि एनजीटी अभी कमाल का गेम प्ले दिखा रहे हैं। आज दो फिनिशेस यहाँ पर निकाल लिए, ईटीएन वाले बंदों की कान यहाँ पर कर दी उन्होंने समाप्त, वही सीटन के फ्लक्स ओपी को देख सकते हैं यहाँ पर है सीटन गॉज की पूरी टीम। क्या टीम नंबर 2 पे यहाँ पर पुश मारा जाएगा, मास्टर ओपी बल्लेजी सूजल एंड फ्लक्स ओपी यहाँ पर चारों बंदे आ गए एक साथ, क्या करेगी कुछ कमाल, ये चारों मिल के करेंगे धमाल या क्या होता है आगे सीन, ओ मेरे भाई मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। वही सीटन रावण की टीम वहां पर देख सकते हैं कि जोर गोरे गोपाल से उनको जोन के अंदर आना होगा, एंड वही यासना के अंदर वाइपर्स की टीम जो है साइकोसिंच एंड टीम वहां पर देख सकते हैं, वाइपर्स की टीम वहां पर लूट रहे, मगर टीएसएफ के बंदे आए, टीएसएफ ऋषिओपी का प्यारा सा स्प्रे वहां पर नॉक डालते हुए, एडब्ल्यू के बंदे भी वहां पर डीटीएस के बंदों को डाल रहे हैं, भाई लूसीफर बॉय पे गए दो नेड एंड लूसीफर बॉय की कहानी होते हुए समाप्त। टीसीसी एरिए टॉन ओपी भाई लास्ट मैच से कमाल का गेम प्ले दिखा रहे हैं, एंड यही देख सकते हैं टीम नंबर 10 भी आ रही है पीछे से, ओ हो और सलान को फटके पड़े सीरियो टॉन ओपी यहाँ पर, दो किल्स तो निकाले हैं उन्होंने स्काई एंड अभी उनके सामने है, देखते हैं अभी क्या करते हैं यहाँ पर, कमाल स्काई को फटके पड़ रहे, ओएटी की टीम भी वही पीछे से आ रही है मेरे भाई, यहाँ पर देखने लायक होगा यहाँ पर क्या होता है। स्काई जो देख सकते हैं वहां पर स्प्रे दे रहे, यहाँ पर प्यारा सा नॉक डाला स्काई मेरे भाई, कमाल का स्प्रे दो बंदों को तीन बंदों को डाला स्काई, यहाँ पर अकेले मारेंगे क्या क्लच, नहीं 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 पीछे से चंदू वाईटी ने देखा, ऑक्सीजन 80 स्पोर्ट्स यहां पर आ चुकी है फाइट में, कमाल वहां पर दिखाते हुए बंदे भाई, कहां गए कहां पहुंच गए रे अपन, अरे भाई मैं कहां था यार, कहां आ गया यार, क्या ही सीन है, क्या ही बकचोदी है, ओ यार शी, टीम डीसी भी वहां पर, ओ टीम नंबर 10 के यहाँ पर जाना है जी, बिल्कुल यहाँ पर जाना है, ओ 80 की टीम यहाँ पर है, टीम नंबर 10 है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मजा आने वाला है बहुत ज़्यादा, एंड वही AW की टीम भी मारते हुए, एंड ये फाइट फिलहाल देखेंगे जी नहीं, ब्रिज के ऊपर भी तनातन चालू, यहाँ फाइट तो होने की ज़्यादा थोड़ी संभावना थोड़ी बाद में है, मगर यहाँ पर टीम डीसी के बंदे वहाँ पर बिल्कुल मचा रहे, रोगियस को वहाँ पर नॉक करते हुए, यहाँ पर क्या स्वप्निल पे नेड़ जाएगा, नेड़ गया क्या फूटेंगे कोई, ओएटी एटम वाटी ने MZY को वहाँ पर नॉक करते हुए, एंड स्वप्निल के ऊपर ओ हवा में नेड़, स्पार्की के ऊपर ही नेड़ आया वहाँ पर, नेड़ नीला उला वेड़ कमाल का यहाँ पर, क्या नेड़ा नेड़ी होने वाला है, बिल्कुल हो रहा है स्वप्निल भाई, और एक नेड़ कर रहे रोगियश भी नॉक, ओ नेड़ हवे में फूटा, वहां पर पीछे से भी कोई तो सपोर्ट दे रहा है टीम डीजी के बंदे, रोगियश भाई नॉक, ओ प्यारा नेड़, स्वप्निल की हेल्थ काफी लो, डीजी सीड घुस गए हैं, विशु भाई की हेल्थ लो है, डीजी सीड यहां पर लेके गए है, क्या कौन सी गाड़ी है रे, सॉरी भूल गए मैं गाड़ी का नाम, अरे बताओ जल्दी लाइव चैट में बताओ, ओएटी एटम वाटी वहां पर फोर्स 4RC ऑक्सिलरी को मॉली से डाल रहे भाई, मॉली किंग बनते हुए वहां पर 4 मींस विशु, ओ विशु को यहाँ पर देखा, क्या ही प्यारा घुटनों पे फेंका, साथ साथ में फिनिश करते हुए कमाल, एंड वही एटम वाइटी एक माफिया हीरो को मारते हुए डीजी सीड ने 4 मींस विशु को यहाँ पर फिनिश किया, साथ साथ रोगी उसको स्पार्की भाई ने मारा, SO9 स्वप्निल को भी वहां पर फिनिश किया स्पार्की के UMP ने, एंड यहाँ पर टीम डीजी ने बाजी मार ली, रोग के बंदों को वहां पर निपटा दिया, उनका काम तमाम कर दिया है, अभी देख सकते हैं कि 48 बंदे एंड 14 टीम बाकी है, कौन सी टीम मारेगी चिकन मेरे भाई, वही जाते हैं ओएटी की टीम के पास, यहां पर देख सकते हैं ओएटी के गोकुल जो भाई पहले मर गए थे एक्सटर की टीम के द्वारा, एंड यही उनके सामने कौन सी टीम है, टीम नंबर 8 सीटन गॉज की टीम है, मगर वो लोग काफी दूर है मेरे ख्याल से, काफी दूर है मैप में, काफी क्लोज दिख रहा है, वही देख सकते कि साइको सिंचन वाइपर सबके दो ही है बंदे भाई, दोनों भी जोन के बाहर है भाई अभी तक यहाँ पर मजबूत, सही है बहुत सही है काफी लेट यहाँ पर जो है पहले जोन में आ रहे हैं,
एंड डीजी सेड की टीम वही क्या रुकेगी ब्रिज के ब्रिज कैम करने के लिए ऐसा। ओ ये दूसरे ब्रिज से आ रहे भाई, पहले ब्रिज से आई मीन दूसरे सीटन एन आर की वहां पर फटके दे रहे ले रहे बाबू बाबू बाबू। सीटन एन आर की कहाँ है, कार 98 का माल के चलाते हुए सीटन एन आर की यहाँ पर फिश से फाइट हो रही है। नहीं अपने अपने में मस्ती चल रही है भाई, सही है सही है भाई, थोड़ी मस्ती कस्टम्स में भी टूर्नामेंट में भी एंड वही रेडन भाई ने राउडी एजे को नॉक किया हुआ है भाई। सेटन ऑलमाइटी भी वहां पर चमका रहे, राउडी एजे को फिनिश किया। एनआरकी का वो देख सकते हैं ग्लेशियर चमकते हुए, एनआरकी ने एंड वरुण को मारा है यहाँ पर। ऑलमाइटी का नेड एंड क्या फोड़ेंगे ऑलमाइटी, 7x फ्लैश का वो नेड, ऑलमाइटी नॉक, रेडन नॉक एंड यहाँ पर क्या फिनिश डालेंगे, 12 के फिनिश डाल रहे हैं एनआरकी अकेले बाकी का जी। एनआरकी अकेले बाकी है, ऑलमाइटी को भी फिनिश कर दिया, रेडन बाकी, एनआरकी का M4 चलाना एंड यहाँ पर साइबॉर्ग आए, फ्लैश ओपी आए, फ्लैश ओपी एंड साइबॉर्ग कमाल का गेम प्ले दिखाया यहाँ पर। सीटन गॉड्स वाले ने 2 किल मारे मगर ब्लिट्ज साइबॉर्ग एंड 7 फ्लैश ओपी का वो कमाल दिखाया यहाँ पर सीटन गॉड्स की टीम को करते हुए एलिमिनेट एंड बहुत प्यारा गेम प्ले वही देख सकते हैं। वाइपर्स अक्की एंड साइको सिंच वहां पर जो है जोन में आ रहे हैं भाई, काफी दूर से काफी लेट यहां पर एंट्री होगा उनका, दूसरे जोन के एंड में आ रहे हैं भाई कमाल है, काफी ज्यादा हीलिंग्स वेलिंग्स उठा के आए रहेंगे। वही वेनम पाई की टीम जो है यहाँ पर देख सकते हैं, उनके सामने कोई टीम है क्या जी यहाँ पर, टीम नंबर 24 D4RS है, माफ करना वेनम पाई मतलब उनके साथ खेल रहे हैं D4RS की टीम। लास्ट मैच में मारा था चिकन वुल्फ भाई, कमाल का गेम प्ले दिखा गए थे ईगल भाई ने, अच्छा सा गेम प्ले दिखाया। डीजे जॉन पे पहले ही मर गए थे एंड वेनम पाई नहीं थे, कोई और था मगर अभी वेनम पाई आ गए मेरे ख्याल से। खैर देखते हैं यहाँ पर क्या होता है सीन मेरे भाई। 1 FPS के बंदे वही है देख सकते हैं, 1 FPS की टीम मेरे ख्याल से लास्ट मैच भी इन दोनों का फाइट हुआ था। वोल्ट अक्की ने वाइपर्स माफ करना वोल्ट के बंदे वहाँ पर मारते हुए वोल्ट ऑनफ्रा ने सैंको सिंच को फिनिश किया एंड वोल्ट के बंदे भाई कमाल का यहाँ पर। वाइपर्स की टीम काफ़ी लेट जोन के अंदर गए एंड जाते ही वहाँ पर पेलम पाली कर दिया, वोल्ट की टीम के मुंह पर गए सीधा एंड वहाँ पर वोल्ट के चारों बंदे बिल्कुल तैनात थे फिनिश करने के लिए। वही टीम डीजी वहाँ पर क्या 1 FPS के साथ फाइट होती है हो गई है यहाँ पर। टीम डीजी वाले रुकेंगे बिल्कुल रुकेंगे, वो जाएंगे नहीं मेरी गारंटी है, यहाँ पर रुकेंगे फाइट लेंगे देखते क्या होता है। गारंटी दिया भाई, हाँ रुके 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 रुके, मेरे को लगा भाई चले जाएंगे तो मेरा मुँह क्या ही होगा यार। रुके है देख सकते हैं GSOP बगी लेके यहाँ पर आके पत्थर पे रुका के यहाँ पर क्या 1 FPS के बंदे को स्पॉट कर सके, वो दूर से D4RS की टीम भी जो है एडवांटेज ले सकती है एंड D4RS की टीम क्या करती है कमाल, बहुत ही मज़ा आने वाला है ब्रो ब्रो भाई। थोड़ा आवाज़ बढ़ाता हूँ मैं, आपको भी सुनाई देगा। यहाँ पर 1 FPS वर्सेस टीम डीसी GSOP के किसको मारेंगे, 1 FPS वाले खोपड़ी उपड़ी नहीं दिख रहे मगर वहाँ पर सेट भाई ने थोड़ा सा एक्सपोज किया अपने आपको। यहाँ पर देख सकते हैं कि GSOP अभी भी स्पॉट करने की कोशिश आ रही है, पीछे से मैंने 14 विद सप्रेसर चला रहा है। टीम डीजी के बंदे भाई यहाँ पर क्या कर सकते हैं नॉक, 1 FPS की टीम उनके सामने दूर ही, वो D4RS की टीम भी है यहाँ पर क्या पीछे से आके भी धप्पा दे सकते हैं, पीछे से कोई आ सकता है क्या, ध्यान देना होगा। ग्लिच बिल्ड वाइट वही पीछे भी रुके हैं, ओ हो 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 अच्छा खासा स्ट्रैटर्जी अपना रहे हैं डीजी वाले भाई। पीछे से टीम नंबर 18 भी आ सकते हैं, साइबॉर्ग एंड फ्लैश ओपी भी भाई अभी वहाँ पर सीटन गॉस की टीम को मार के आए तो अच्छा खासा कॉन्फिडेंस ऊपर रहेगा उनका, मगर यहाँ से जोन में जाएंगे या कहाँ से जोन में जाएंगे इंटरेस्टिंग होगा, देखने लायक होगा क्या वो सीन अब होता है वहाँ पर। वेनम डार्क की टीम यहाँ पर देख सकते हैं सीटन गॉस की टीम के साथ जी बिल्कुल फाइट हो रहा है यहाँ पर। वेनम डार्क सामने सीटन बलेजी, सीटन सूजल बलेजी के ऊपर क्या स्प्रे जाएगा, स्प्रे आ रहा है मगर नहीं कर पा रहे नॉक, सूजल का प्यारा नॉक EXPR वेदांत को वहाँ पर किया है नॉक, वेदांत भाई को वहाँ पर डाउन करते हुए क्या होता है सीन, बलेजी एंड टीम क्या घुसती है। वही तनिष्का भी वहाँ पर पीछे से आ रहे हैं, तनिष्का एंड टीम वो मेरे भाई क्या होता है यहाँ पर, मास्टर ओपी के अंदर घुस के मारेंगे पेलम पाली का बिल्कुल चार ही, मास्टर ओपी एक को नॉक किया दूसरे को
तू दूसरे को भी लोक किया, दूसरे को भी नॉक किया, मास्टर रूपी मास्टर बन रहे हैं भाई यहाँ पर, क्या एक एम चला रहे, वेनम डाक को मारा, तीसरा बंदा तू जलाए, तू जल का प्यारा सा कवर मिलेगा क्या, मिला यहाँ पर मास्टर रूपी को भी रिवाइव मिला। सेटन बोले जी एंड टीम कमाल दिखाई, एक सीआर वेदांत को आके भी सेटन बोले जी ने फिनिश कर दिया एंड मास्टर रूपी ने क्या यहाँ पर मास्टर वाला गेम प्ले दिखाया। वही यहाँ पर ऑक्सीजन एटी स्पोर्ट्स की चंदू आईटी यहाँ पर आ गए, ओ मेरे भाई क्या ये नेड जाएगा चंदू आईटी के ऊपर स्प्रे, वहां पर देखा बोले जी एंड टीम ने ऑक्सीजन स्पोर्ट्स यहाँ पर नेड़ गया चारों बंदे सीटन बॉस के, एक की जो है घर के अंदर ग्लिच बिल्लू वाइटी का वो नेड़, वोल्ड की टीम के ऊपर एटम वाइटी का स्प्रे फ्लक्स ओपी को नॉक करते हुए, ओ मेरे भाई ऑक्सीजन एटी स्पोर्ट्स वर्सेस सीटन गॉस यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। सीटन गॉस के चारों बंदे एक ही घर के अंदर, एटम वाइटी का ये और एक नेड़ जा रहा है, मॉली जा रहा है, बोले जी का स्प्रे काफी लो है, चंदू वाइटी ऑल्ट ऑन फ्रंट वहां पर जीएस ओपी फिनिश करते हुए, चंदू वाइटी को कौन मारेगा, सुजल बाहर से आए, सुजल एटम वाइटी को नॉक करते हुए, सुजल बोले चल बाहर निकल एंड क्या कमाल का वहां पर नॉक से फिनिश डाल दिया, फ्लक्स ओपी ने ऊपर से फिनिश डाल, सुजल को वहां पर नॉक किया चंदू वाइटी ने, फ्लक्स ओपी पीछे का, फ्लक्स ओपी का प्यार से स्प्रे गोकुल भाई अकेले, बाकी गोकुल को भी यहां पर ठोक दिया है, फ्लक्स ओपी क्या कमाल का कवर देंगे। यहां पर तीनों बंदों को रिवाइव मिलने वाला है, अगर कोई तीसरी टीम आके यहां पर फिनिश नहीं कर दी तो सारे यहां पर सीटन गॉड्स के बंदे बच जाने वाले हैं। 6 फिनिशेस निकाले भाई, फ्लक्स ओपी सुजल ओपी क्या कहना भाई, ऑक्सीजन एडी स्पोर्ट्स की टीम यहां पर उन्होंने दावा बोल दिया था अचानक से भयानक, मगर यहाँ पर क्या ही सिचुएशन को प्यार से संभाला, चारों बंदों का कमाल का गेम प्ले, फ्लक्स ओपी का क्या ही वहां पर कंट्रोल, क्या ही संयम बनाए रखा एंड क्या ही प्यारा वहां पर फिनिश डाल दिया। वही पीछे से तनिष्का जी की टीम आ रही थी मगर पता नहीं कहाँ चले गए, वो काफी दूर चले गए हैं एंड अभी 31 बंदे 10 टीम EXTR वाले बंदे यहाँ पर देख सकते हैं। पैडी भाई जो है पहले ही फिनिश हो गए, अपन ग्लिच में थे तभी एंड हार्दिक आयुष यहाँ पर, बाकी हार्दिक भाई ने जो है पहला ही किल निकाला था वहाँ पर, क्या यहाँ पर और किल निकाल के जीतते हैं अपने दिल EXTR हार्दिक और वॉट, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है आगे। और वॉट वाला कमेंट्री चाहिए यार। D4RS के 1 FPS सेड को मारा है और वॉट वहां पर देख सकते हैं 1 FPS सीड को वहां पर रिवाइव मिल रहा है बिल्कुल मिल रहा है D4RS की टीम के साथ। क्यों से आगे पूरा मार के जोन लेना है, शेल्टर खाली नहीं है मेरे भाई, शेल्टर में मेरे ख्याल से नहीं, शेल्टर के नीचे थोड़ा है और ये है मार के जोन लेना पड़ेगा, मार के जोन लेना पड़ेगा। क्योस पूरे 6-7 स्क्वाड है सर्कल में। 7x फ्लैश ओपी ग्लिच बिल्लू आईटी को मारते हुए, ग्लिच बिल्लू आईटी की टीम, ओहो टीम डीसी का यहाँ पर फाइट स्टार्ट, 7x फ्लैश ओपी आज का माल दिखा रहे हैं, फिनिश कर दिया ग्लिच बिल्लू आईटी को, दूर से सिर को क्या मारेंगे, सिर के ऊपर स्प्रे, सिर का भी स्प्रे आएगा सामने से बिल्कुल आएगा कवर, ओ जीएस ओपी का प्यारा सा यहाँ पर स्प्रे फ्लैश ओपी को करते हुए ना गाड़ी फोड़ के बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, छुट्टी नहीं देंगे जो बोल रहे हो ना, दिया यहाँ पर खत्म कर दिया फ्लैश ओपी को, साइबोर का किले बाकी है, टीम डीजी के ग्लिच बिल्लू आईटी को मारा है, टीम डीजी बिल्कुल यहाँ पर जो है अपना बदला चुकता करेगी, स्प्लिट साइबोर का किले बाकी है, डीजी स्पार्की के घुसेंगे, देख सकते हैं बग्गी निकल के घुस गए डीजी स्पार्की भाई, बिल्कुल यहाँ पर जो है रुकने का नाम नहीं लेते, क्या ये यहाँ पर कमाल साइबोर को पड़े और फटके, डीजी स्पार्की अभी नेट डालेंगे, बिल्कुल नेट डालेंगे यहाँ पर देखते हैं कि डीजी स्पार्की अंदर घुसे ओ डीजी स्पार्की क्या स्किन का माल का यहाँ पर दिखा रहे हुए, चमकाते हुए ब्लिट साइबोर को फिनिश करके यहाँ पर टीम डीजी बिल्कुल बाजी मारते हुए ये फाइट में कमाल यहाँ पर दिखा रहे, टेक्नो स्टाइल सुजल ओपी, यस ब्रो सुजल ओपी एंड यहाँ पर टीम डीजी भी ओपी भाई, डीजी ओपी डीजी वाले लास्ट मैच में थर्ड पोजीशन था, क्या अभी चिकन मारेंगे वो, बहुत मजा आने वाला है, टीम डीजी बैक टू द ओल्ड फॉर्म, जैसे अपना पहले टूर्नामेंट में टीम डीजी वाले मचाया था
वही यहाँ पर दिखा रहे हैं, वही डी फोर आर एस की टीम यहाँ पर फाइट लेते हुए एंड उनके ईगल भाई को है नॉक डाला है। ओ वुल्फ भाई, क्या रात का वुल्फ यहाँ पर चमकने वाला है। ए डब्ल्यू गणेश ने सीटन बलेजी को मारा है, सीटन बलेजी की फाइट वहाँ पर होते हुए ए डब्ल्यू की टीम के साथ। यहाँ पर मास्टर ओपी, यहाँ पर सिट टॉकन खत्म हो गए एंड मास्टर ओपी क्या करते हैं यहाँ पर देखने लायक होगा। मास्टर ओपी की टीम बलेजी भाई को फिनिश डाल दिया गया है, नेड वेड आ रहे हैं। AW चिन्ना वाई टी MVP प्लेयर यहाँ पर MVP टीम के साथ फाइट है सेटन बलेजी का, बलेजी एंड टीम का, बलेजी भाई के फिनिश हो गए मगर बाकी के बाकी है। चिन्ना वाई टी यहाँ पर देख सकते हैं सुजल ओपी मास्टर ओपी के ऊपर उनके नेड़ बेड़ मारेंगे। मास्टर ओपी का है, मास्टर ओपी नीचे है कि ऊपर है, नीचे है, नीचे है। ए डब्ल्यू गणेश के ऊपर क्या मॉली वॉली नेड वेड फेंका जाएगा। ए डब्ल्यू चिन्ना वाई टी ऊपर है, ए डब्ल्यू गणेश यहाँ पर पैनिक रूम के अंदर मॉली वॉली ऊपर फेंका जा रहा है सीटन गॉज की टीम के द्वारा। पीछे से कोई आया क्या, पार 26 था निष्का की टीम, प्यारा सा नेड था चिन्ना वाइटी का, हेल्थ काफी लो और एक नेड अगर फेंका तो चिन्ना वाइटी को भी फेंक देंगे घुटनों पर। क्या होता है अभी फ्लक्स ओपीएन टीम, क्या और एक नेड आएगा यहाँ पर। ए डब्ल्यू चिन्ना वाइटी ने फटाफट से हीलिंग्स मार लिया है भाई। ए डब्ल्यू चिन्ना वाइटी वो नीचे उतर गए, सुजल देखेंगे क्या उनको, वो मास्टर ओपी को प्यारा सा नॉक, सुजल का नॉक चिन्ना वाइटी को, गणेश ने वहां पर नीचे आके प्यारा सा सपोर्ट दिया। फ्लक्स ओपी को आना होगा फटाफट, फ्लक्स ओपी का प्यारा सा फिनिश यहाँ पर, कमाल दिखाते हुए फ्लक्स ओपी फिर से एक बार आखिरी बंदे का किल भी यहाँ पर लेके जा रहे हैं, जीत के जा रहे हैं अपने व्यूअर्स के दिल। क्या यहाँ पर तनिष्का एंड टीम घुस जाएगी, दूंगा तीसरा था सगड़ विसरा, नहीं आ रहे बाल बाल यहाँ पर मिल जाने। वन FPS पार्क ने वहां पर तनिष्का को नॉक किया है, वो जाने नहीं देंगे तुम्हें जोन के अंदर यहाँ पर ऐसा बोलते वन FPS की टीम से। भाई यहाँ पर देख सकते तनिष्का को वहां पर रिवाइव मिलना काफी मुश्किल होने वाला है। तनिष्का का यहाँ पर किल मिल गया स्पार्क भाई को, प्यारा सा वहां पर स्प्रे देके गाड़ी से उतारा था, चलती गाड़ी से उतारना भाई। ये भी आजकल बंदे भाई काफी बंदे सीख रहे हैं EXTR प्रिंस के ऊपर एफर्ट के, एंड आयुष को भी यहां पर क्या मारा जा सकता है। हार्दिक एंड आयुष अभी दो बाकी है, हार्दिक एंड आयुष, हार्दिक का भी वो स्प्रे जाते हुए, हार्दिक भाई क्या कमाल करते हैं। XLR8 के दीपक भी वहां पर बाकी है, टीम डीजी स्पार्क की वहां पर फोड़ रहे नीड। डीजी भाई क्या डीजी कमाल का गेम पे दिखा रहे हैं ये मैच के अंदर। हार्दिक भाई यहां पर अकेले बाकी डीजी सेड उनके सामने, XLR हार्दिक यहां पर नेड फेंकते हुए क्या नेड से डीजी सेड को वहां पर लगा सकते है वेड। टीम डीजी सेड यहां पर नेड तो गया मगर नहीं कर पाए नॉक। अब और एक मॉली फेंकने की कोशिश यहां पर मॉली फेंका है एंड लेफ्ट से देखा वहां पर स्पार्की को नॉक क्या डालेंगे। वन HP पे रख दिया स्पार्की को, एक बुलेट अगर घिस के भी जाती तो स्पार्की को वहां पर नॉक कर सकते थे। फटाफट से स्मोक किया D4RS वुल्फ ने वहां पर, वन FPS लूफी को मारा है। EXTR हार्दिक ने भी क्या ये प्यारा स्प्रे दिया स्पार्की को वहां पर, ऑलमोस्ट नॉक किया था मगर भाई बाल बाल बच जाएंगे। DG के साथ लक भी उनका साथ दे रहा है भाई। खैर यहाँ पर और एक स्प्रे एंड ये स्प्रे में लक काम नहीं आया, यहाँ पर हुनर काम आया। EXTR हार्दिक का प्यारा सा स्प्रे एंड वही डीजी स्पार्की हो गए है नॉक। पीछे जाके रिवाइव कौन देगा, टीम डीजी सेड GSOP स्पार्की के सामने है, क्या वहां पर रिवाइव मिलेगा। डीजे जॉन ओपी वहां पर वन FPS को मार रहे, वन FPS के बंदे अपने घुटनों पर है, फ्लक्स ओपी को भी पड़ रहे, फ्लक्स ओपी को नॉक, डीजी सेड यहाँ से मार रहे एंड EXTR हार्दिक का स्प्रे और भाई बंदों को वहां पर लो करते हुए वन FPS पार्क को भी वहां पर नॉक करते हुए एक साथ काफी ज्यादा फाइट्स हो रही है। फ्लक्स ओपी को रिवाइव देना हो सकता है काफी मुश्किल, कशे भी वहां पर अकेले बाकी, सिड के ऊपर वो नेड गया था, वन HP रखा है, मॉली गया एंड EXTR हार्दिक भाई कमाल दिखा रहे, बंदों को यहां पर उठने का मौका नहीं दे रहे हैं। वहां पर क्या स्पार्की को फिर से मार सकते हैं EXTR हार्दिक, GSOP ने वहां पर जाके रिवाइव दे दिया था मगर डीजी सिड को यहां पर बचा पाना काफी मुश्किल हो सकता है। सीटन गॉड्स की टीम भी वहां पर टपाटप देते हुए, मास्टर ओपी भी वन FPS पार्क का फिनिश ले लिया उन्होंने भाई, दोगा तीसरा था सगड़ा विसरा, कोई और नॉक करके गया था, किल ले गया कोई और। EXTR हार्दिक वहां पर डीजी सेड को फिनिश ले लिया उन्होंने, मिल गया उनको एंड D4RS की टीम अभी भी बाकी है। यहाँ पर वन FPS मासूम को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा है, कौन मार रहे, फ्लक्स ओपीएन टीम मार रही है क्या। वन FPS मासूम का जो है हेल्थ काफी लो है देख सकते हैं अपन, टीम डीजी भी वही दूर से वहां पर फटके दे रही है। काशी भाई वहां पर बिल्कुल अपना पोजीशन नहीं दे रहे, बिल्कुल वो रुके हुए है। यहाँ पर जोन के अंदर कौन है, टीम
1 FPS जोन के अंदर है भाई, आना होगा। एक्सेलरेट के बंदे भी थोड़ा सा जोन के अंदर है, मगर यहाँ पर बाकी सारी टीम जोन के बाहर, जोन के अंदर आना चैलेंजिंग यहाँ पर काम है। वो फ्लक्स ओपी यहाँ पर लेके गए हैं बगी, बाकी दो बंदे आ रहे हैं पैरों पे। यहाँ पर बाय फुट आना काफी मुश्किल हो सकता है। ओ फ्लक्स ओपी को काकाशी जोन के बाहर रुक के स्प्रे दे रहे, काकाशी को डैमेज पड़ने वाला है, जोन का पता है उनको, एंड काकाशी शहीद हो गए जोन से। T4R सिंगल मास्टर ओपी को नॉक किया, फिनिश किया, सूजल को भी वहां पर नॉक कर दिया। GSOP प्ले जो जोन से नॉक हो जाए, फ्लक्स ओपी ने XPR हार्दिक को फिनिश किया एंड आयुष के ऊपर भी स्प्रे दिया। XLR8 के गोड वहां पर मरते हुए नेड से। अब भी फ्लक्स ओपी क्या करेंगे, हार्दिक का फिनिश उन्हें मिला। D4RS के वुल्फ ने सुजल को मारा। यहाँ पर 5 बंदे, 1v4 का सिचुएशन है भाई। जून से कितने मरे, 1 FPS के बंदे। यहाँ पर स्प्रे वेनम पाय के ऊपर, फ्लक्स ओपी अकेला बंदा वहाँ पर, वेनम पाय, डीजे जॉन ओपी को भी वहाँ पर नॉक किया। यहाँ 1v4 निकाल सकते हैं, डीजे जॉन ओपी को फिनिश करने की कोशिश फिनिश किया है, मगर यहाँ पर कवर आया दूर से D4RS के वुल्फ का वो स्प्रे से, टन फ्लक्स ओपी को वहाँ पर फिनिश करके चिकन डिनर प्राप्त करते हुए टू फोर फाइव फिनिशेस के साथ चिकन डिनर D4RS की टीम के हाथ। वही सेटन गॉल्स की टीम ने भाई कमाल गेम प्ले दिखाया था, 7-4-11 and 1-12 फिनिशेस के साथ पोजीशन 2 प्राप्त करते हुए। XLR की टीम ने भी प्यारा सा गेम प्ले दिखाया, 3-4-5 फिनिशेस के साथ, 3-1 स्क्वाड खेल रहा था, 5 फिनिशेस के साथ पोजीशन 3 प्राप्त किया उन्होंने। पोजीशन 4 पे देख सकते हैं कि 1 FPS की टीम है 2 फिनिशेस के साथ। पोजीशन 5 पे देख सकते हैं EXTR की टीम भी 3 फिनिशेस। DTS की शू गेमिंग फर्स्ट मैच #10, सेकंड मैच #17, कम बैक लाना पड़ेगा। यस ब्रदर, DTS की शू भाई, कम बैक लाना पड़ेगा, कम बैक इज मस्ट। मगर भाई एक है, सोचो देखो, तीन डेज जो है क्वालिफायर्स है, आपको किल्स निकालना है, क्या निकालना है वो आपके ऊपर है, मगर टॉप 16 में आना है, 24 टीम में से टॉप 16 में आना है, ये मोटो रखो। टॉप 16 में आओगे, फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, तब जो है फ्रेश टेबल रहेगा, फ्रेश स्टार्ट रहेगा, है ना। ट्विस्ट टीम DZOP का यहाँ पर देख सकते हैं, 4-5-6-7-8-9-10 फिनिशेस है बाय, 10 फिनिशेस के साथ 6 पोजीशन। पार्थ तनिष्काट की टीम, काकाशी की टीम, थॉन नहीं आए थे भाई, 0-0-0-0 फिनिशेस के साथ पोजीशन 7। टीम नंबर पोजीशन 8 पे है 8W की टीम, 8 वंडर्स यहाँ पर देख सकते हैं, 4-5 फिनिशेस के साथ पोजीशन 8 प्राप्त करते हुए। ये 8 वंडर्स है ना भाई, बहुत ही छुपे रुस्तम है भाई, टूर्नामेंट के आखिर में आके ना ऐसा भाई बजा डालेंगे, मतलब लास्ट टूर्नामेंट जो ऐसा किया था, देखते हैं ये टूर्नामेंट में क्या होता है। वोल्ट नोवा की भी टीम देख सकते हैं वहाँ पर, 3-3-3, 1-1-1-1, 3 फिनिशेस के साथ है पोजीशन 9 पे। टीम पोजीशन 10 पे देख सकते हैं टीम 7X फ्लैश ओपी, 3-4-5 फिनिशेस के साथ पोजीशन 10 प्राप्त करते हुए। पोजीशन 11 पे है OATE की टीम, 4-5-6 फिनिशेस के साथ है। पोजीशन 12 पे है वेनम EXTR की टीम, 0-0-0-0-0 फिनिशेस के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं 13 पे है 0-0-0 फिनिशेस के साथ वाइपर सक्की की टीम। 40 पोजीशन 14 पे है सीटन गॉड्स की फर्स्ट लाइनअप विथ 1-1-2 किल्स, एंड 15 पे है रोग की टीम, रोग यश की टीम, 0-0-0-0-0 फिनिशेस के साथ। पोजीशन 16 पे है माफिया हीरो की टीम विथ 3-4-5-6 फिनिशेस के साथ, अच्छे फिनिशेस निकाले मगर भाई पहले ही मर गए। #17 पे है DTS की टीम, DTS की टीम भाई एक फिनिश निकाला काशू भाई ने, एंड 17th पोजीशन प्राप्त करते हुए। पोजीशन 80 पे है TSF की टीम, TSF विथ 1-3-4 फिनिशेस के साथ। पोजीशन 19 NGT अभी की टीम प्राप्त करते हुए, अच्छा खासा वो फाइट निकाला था वहाँ पर, मगर 5 फिनिशेस उनको मिले एंड पोजीशन 19 मिला। ETN के शिवम की टीम यहाँ पर देख सकते हैं, एक फिनिशेस वाइपर बोटॉक्स का वो फिनिश था, एंड 21 पे है AE लवली की टीम विद 0-0-0 फिनिशेस। DW स्पाइडी की टीम जो है भाई पहले ही मर गए 0-0-0-0 फिनिशेस के साथ पोजीशन 22, एंड साइको स्प्रे गॉड भाई अपने बंदों के पास जा ही नहीं पाए, पहुँच ही नहीं पाए, उससे पहले ही मैच स्टार्ट हो गया, 0 फिनिश यहाँ पर साइको स्प्रे गॉड थे। सस्ता गॉडल, वी आर गॉडल, हाई फिनिश, लेस पोजिशन, अरे भाई BGMI टॉक्सिक GS भाई। एंड यहाँ पर स्टार ऑफ द मैच को भी देख सकते हैं, सीटन फ्लक्स गोइंग ऑल आउट, फिनिश 7 बोनस 2। सीटन फ्लक्स ओपी बेस्ट कंपेनियन भाई, असिस्ट 1 है, रिवाइव 4 है, एंड फिनिशर देख सकते हैं कि
डी फोर आर एस वुल्फ फिर से बन गए भाई। लास्ट मैच भी डी फोर आर एस वालों ने मारा था ना, उन्होंने ही मारा था मेरे ख्याल से। हाँ उन्होंने ही मारा था। एंड वुल्फ भाई जो थे एमवीपी थे ये मैच में भी, फिनिशेस दो है असिस्ट एक है, क्या बात है, कमाल भाई। वुल्फ भाई पहले दिन में कमाल मचा रहे हैं भाई, धमाल मचा रहे हैं। एंड यहाँ पे होता है डे वन का जो है एंड, डे टू के लिए बने रहो गाइस, कल रात को 11 बजे चालू होगा सेकेंड मैच, सेकेंड नहीं आई मीन सेकेंड डे थर्ड मैच। तो भाई पेलम पाली होने वाला है कल, पेलम पाली होने वाला है कल। तो भाई आना, टाइम पे आना, जो भी देख रहा है भाई टाइम पे आना एंड पेलम पाली देखना भाई, बहुत मज़ा आएगा, मेरा गारंटी वारंटी सब है भाई, बिल्कुल मज़ा आएगा। डी टू में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो भाई टाइम पे आना, टाइम से आना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। एंड यही अपन एंड करते हैं अपना स्ट्रीम। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सायोनारा गाइस। Yeah.